بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الروح الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قالت أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الله تبارك وتعالى وحده لا شريك کا بے پایا فضل و کرم और इहसान व इनाम है कि जिसने बाइस तख्लीक कायनात रहमत लिल आलमीन शाफ़ाए रोज़ जज़ा हुज़ूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक वसीला से हम सब को दौलत ईमान अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला हमें कमा हक़ुहु इस दौलत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से आज हमारा दूसरा लेक्चर जो है अल्हम्दुलिल्लाह ताला उसका आगाज़ हो रहा है। आखिरी लेक्चर में जो कुछ हमने बयान किया उसका मुख्तसर नॉर्वेजियन सामिंद्राग जो है वो भी आप सुन चुके हैं। यहाँ से हमने बात को पिछली दफ़ा बयान किया था, जो ख़ास चीज़ें उनमें हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की नानी जान ने हज़रत हुन्ना ने जो मन्नत मानी थी कुरान मजीद में, जिसका बयान फरमाया है सूरह आले इमरान के अंदर, वहाँ से लेकर हज़रत सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम आपकी वालिदा मोहतरमा जो हैं उनकी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुकाम और मर्तबा फजीलत उनकी करामत और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक तक, इतना जो है इसको हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछली गुफ्तगू में बयान कर चुके हुए हैं। आज की गुफ्तगू हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बर्थ आपकी विलादत जो है उस हवाले से और ज़िंदगी में आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जो शानें और अजमतें और मोजज़ात अता फरमाए उनके बयान के हवाले से है। एक चीज़ ख़ास तौर पर हमारे
वो बच्चे जो स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, वो उनको रिपीट करवाते हुए मैं आगे जो है वो बढ़ना चाहता हूँ। कुरान मजीद के दो मुकामात अभी मैंने खुतबा में तिलावत किए हैं, एक सूरह आले इमरान में से और एक सूरह मरियम में से। इन दोनों में बिल्कुल वाज़ह तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया है कि जब हज़रत सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम, उनके यहाँ हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत होने से पहले, जब हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उनके पास आए, उस वक़्त तक जो आगे से हज़रत मरियम ने जवाब इरशाद फरमाया, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं वो कतअन, कुरान मजीद के अल्फाज हैं, उन्होंने कहा कालत रब्बी अन्ना यकूनुली वलद, अर्ज की ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, मेरे यहाँ कैसे औलाद होगी, कैसे लड़का पैदा होगा, वलम यमससनी बशर, हालांकि मुझे किसी इंसान ने हाथ भी नहीं लगाया। कमोबेश दो मुकामात सूरह मरियम में भी यही मिलते जुलते अल्फाज हैं कि हज़रत मरियम ने अर्ज किया, फरमाया कि कालत अन्ना यकून ली गुलाम वलम यम ससनी बशर, बिल्कुल वही अल्फाज कि मेरे यहाँ कैसे कोई औलाद लड़का हो सकता है, हालांकि मुझे तो किसी इंसान ने छुआ तक नहीं है, हाथ तक नहीं किसी ने मुझे लगाया। सो अगर आप कहीं से पढ़ें या सुने, ये रवायात हैं जिनका इस्लाम के साथ, कुरान के साथ, फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका कोई हिस्सा नहीं है कि कोई यूसुफ नामी शख्स या जोसेफ नामी आदमी जो था वो माज़ल्ला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप जो है वो भी बताया जाता है। कुरान मजीद याद रख लें, मुसलमानों का जो नज़रिया है, इस्लाम का जो नज़रिया है, उसको समझना एज़ ए मुस्लिम हमारे ऊपर शरी तौर पर लाजिम है, क्योंकि हम मुसलमान दुनिया के कमों बेश हर इलाका के अंदर, हर कोने के अंदर, हर स्टेट के अंदर पाए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला के कुरान ने हमें फरमा दिया है, जो कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ने हमें बतला दिया है, उसको ख़ुद भी समझना और फिर उसका डिफेंड करना और दिफा करना, ये हमारे लिए लाजमी है। सो अगर हमारे बच्चे और बच्चियाँ इन चीज़ों को सुने, कहीं से पढ़ें, सो इस बात को मैं रिपीटेडली इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि ये बात वाज़े रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की आला निशानी ही तब हैं कि जब उनको अल्लाह तबारक व तआला के ख़ुद इरशाद फरमाए हुए कुरान की रोशनी में उनकी अज़मत को समझा जाए। अदरवाइज़ वो जो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हज़रत जिब्रील अमीन ने जो फरमाया हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कि बलि नजअलहु आयतन लिन्नास व रहमतन मिन्ना, कि हम इस ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों के लिए निशानी बनाना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा को क्या बनाना चाहता था? अपनी निशानी, वाज़े निशानी के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देख कर अल्लाह ताला की कुदरतों का यकीन हो जाए। और अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत जो है, वो सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर फैली हुई जो चीज़ें हैं ये भी अल्लाह ताला की मारिफत की निशानियाँ हैं। समंदर हैं, पहाड़ हैं, दरख्त हैं, आग है, दरिया है, ये सारी चीज़ें ज़मीन व आसमान में, रात को सितारे हैं, चाँद है, दिन को सूरज है, फिर दिन और रात का आना जाना है, फिर मौसम की तब्दीली और चेंजिंग है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बहार है, कभी खिज़ां है, ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत के दलायल हैं कि आखिर वो कौन सी ज़ात है जो इस सारे निज़ाम को एक बड़ी आला खूबी और तरतीब के साथ चला रही है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक मुकाम पर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ए लोगों, हमारी निशानियाँ तो देखो, अगर हम
तुम्हारे ऊपर एक दिन सूरज तुलू ना करें। तो कभी तुमने सोचा है इस बात को कि वो कौन सी ताकत है जो तुम्हारे पास सूरज को ले आएगी? मैं तुम सोचते क्यों नहीं, ये जो दिन रात का तसलसल है, अगर एक दिन अल्लाह तबारक व तआला सूरज को लोभ ही ना दे, इजाज़त ही ना दे, फरमाए वो कौन सी ताकत है तुम्हारे पास जो तुम्हारी ज़मीन के ऊपर सूरज को रोशन कर देगी? और फरमाए अगर दिन तुम्हारे पास आ जाए और अल्लाह तबारक व तआला उस कोई मूवमेंट का वो जो सूरज की है उसको हुक्म ही ना दे, उसके सर्कल को, उसके तसलसल को रोक दे, तो वो कौन सी ताकत है तुम्हारे पास जो रात को ले आएगी? यानी ये सारी चीज़ें जो हैं ये अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत के दलायल हैं, मगर इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो सबसे बड़ी दलील इस कायनात में अपने वजूद पर बना के भेजी है वो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे अम्बिया हैं। और उन नबियों में हज़रत सैदना ईसा अलैहिस्सलाम का बड़ा बुलंद रुतबा है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने एज ए स्पेशल क्रिएशन, एक स्पेशल क्रिएशन के तौर पर दुनिया के सामने रखा और अपनी कुदरत की निशानी बनाया, अपनी कुदरत की निशानी बनाया कि सैदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े तौर पर फरमाया कि इन्ना मसला ईसा इंदल्लाही का मसली आदम, फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के यहाँ ऐसी है जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है। खलकहू मिन तुराब, अल्लाह ने उन्हें मट्टी से बनाया, सुम्मा काल लहू कुन फयकून, फिर फरमाया उस मट्टी को बनाकर तो हमने फरमाया कि तू हो जा। ये आदम अलैहिस्सलाम का वाक्य जो है वो बयान किया जा रहा है, किसका? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के। फरमाया कि जिस तरह हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था, उनका मट्टी का एक ढांचा जो है वो हमने बनाया, उनकी तो वालदे मुकद्दसा भी ना थी, बाप भी ना थे। आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कि हमने मट्टी के एक ढांचा और पुतला सा बनाया, फिर उसको हमने फरमाया कुन, कुन का मतलब हो जा, कुन का क्या मतलब? हो जा। फरमाया फयकून, फिर वो उसी तरह हो गया जिस तरह हमने फरमाया। वो जो कुछ फरमाया ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए, बिल्कुल यही अल्फाज फिर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी फरमाए। मैं काला कज़ाली किल्ला हूँ यखलुक मा यशा, जब सैयदना मरियम ने अर्ज़ किया ना कि या अल्लाह मेरे यहाँ कैसे औलाद होगी, मुझे तो किसी बशर ने छुआ तक नहीं, किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया, तो फरमाया कि ऐ मरियम इसी तरह ही होगा जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला चाहता है, और अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। आगे फरमाया इज़ा क़दा अमरन फ़इन्नमा यकूलु लहू कुन फ़यकून, फरमाया जब वो किसी भी चीज़ का फैसला फरमा लेता है तो उसको बस फरमाता है तू हो जा, उसको क्या इरशाद फरमाता है कि तू हो जा, फ़यकून, बस उसकी इरशाद फरमाने की देर है वो चीज़ वैसे ही हो जाती है, वो चीज़ वैसे ही हो जाती है। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस एतबार से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हज़रत आदम से दी है। कुरान मजीद ने वाज़े तौर पर ये इरशाद फरमाया है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बग़ैर बाप के पैदा फरमाया, बग़ैर बाप के पैदा फरमाया। इसीलिए तो वाली नजअलहु आयतल लिन्नास है वो, कि वो लोगों के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला की चलती फिरती निशानी है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, इसीलिए तो वो निशानी थे, ख़ास निशानी थे कि उनको देखकर तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का इल्म होता था, कुदरत का यकीन होता था। कि एक अल्लाह तबारक व तआला की याद रख लें, अल्लाह तबारक व तआला की पहचान का एक तरीका ये है, एक है अल्लाह तबारक व तआला की फितरत इलाही उसको कहते हैं, क्या कहते हैं बोलिए, फितरत इलाही, कि ये जो सारा निज़ाम कायनात है ये एक रूटीन के साथ चल रहा है, ये होती है फितरत इलाही, इसको इल्मी लैंग्वेज के अंदर कहते हैं। फितरत इलाही ये है कि सूरज रोज़ाना सुबह निकलता है,
रोज़ाना शाम उस इलाके से गुरूब हो जाता है। फितरत इलाही ये है कि मौसम अपनी रूटीन से आते हैं और अपनी रूटीन से चले जाते हैं। फितरत इलाही ये है, ये सारे चीज़ें जो हैं एक अपने मामूल के मुताबिक और अपनी रूटीन के मुताबिक जारी हैं। इसी तरह हमेशा माँ और बाप के मिलाप से औलाद वजूद में आती है, ये फितरत इलाही है। और कभी कभी फितरत के निज़ाम से हटकर अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत का निज़ाम लोगों को दिखाता है, उसको कुदरत इलाही कहते हैं, ताकि लोगों को उन असबाब के ऊपर कहीं ऐसा यकीन ना हो जाए जैसा यकीन उन्हें अपने रब के ऊपर होना चाहिए था। अब आप समझ गए हैं, यानी कभी कभी फितरत की बजाय कुदरत का इजहार होता है कि जो सारा निज़ाम है ये एक अलग चीज़ है, लेकिन उस फितरत में और उस कुदरत में इतना फ़र्क है कि हमेशा सारे इंसान माँ और बाप के साथ वजूद में आते हैं। फिर वो कभी कभी ऐसा भी उसने किया और कुरान में रख कर आखिरी दिन क़यामत के आने तक लोगों के लिए चैलेंज उसको बना दिया कि फरमाया ये ना समझना कि हम कोई माज़ अल्लाह एक निज़ाम बनाकर हम भी उसके उतने ही पाबंद हैं जितने के तुम हो, हम एक निज़ाम बनाकर हम भी उसके ऐसे ही माज़ अल्लाह मजबूर हैं जैसे कि तुम हो। फरमाया नहीं, मखलूक और खालक में खालक को पहचानने के लिए मखलूक को यह समझना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला का एक निज़ाम फितरत है, दूसरा निज़ाम कुदरत है। मैं उसकी एक मिसाल आपको दे देता हूँ, कुर्बे क़यामत में जब क़यामत आएगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से एक निशानी बयान फरमाई। हुजूर इरशाद फरमाते हैं जब बिल्कुल क़यामत करीब आ जाएगी तो फरमाया सूरज एक दिन ऐसा होगा कि सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू होगा। ये हुजूर का फरमाने आली शान है। और बाद शारहीन ने बयान फरमाया है या गालबन अहदीस पाक में, इसको हम तफसील से अगला जो हमारा लेक्चर होगा नेक्स्ट वीकेंड में उस पर इंशाल्लाह तबारक व तआला लेंगे। फरमाया कि उससे पहले इस आलम इंसानियत पर, इस रूए ज़मीन पर 3 दिन ऐसे गुजरेंगे कि सूरज बिल्कुल नहीं निकलेगा। 3 दिन ऐसे होंगे कि सूरज बिल्कुल नहीं निकलेगा। लोग दुआएं करेंगे, इल्तिजाएं करेंगे, रोएंगे, गिड़गड़ाएंगे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। फिर 4th दिन जाके जब सूरज निकलेगा तो जब से सूरज को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है सारी कायनात में, इस रूए ज़मीन के लिए, इस गैलेक्सी के लिए आप कह रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जब से पैदा किया ये हमेशा मशरिक से निकलता है। इस साइड से निकलता है, मशरिक से, हमेशा मशरिक से निकलता है। मगर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की आखिरी निशानी में से ये है कि एक दिन सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकलेगा। और मगरिब से निकलकर ताजदार कायनात फरमाते हैं कि बिल्कुल जितना जोहर का वक्त होता है तकरीबन आधे आसमान तक आएगा और फिर वापस मशरक में जाके गुरूब नहीं होगा, यानी मुतसद नहीं होगा, फिर वहां से पलट के फिर जाके मगरब में गुरूब हो जाएगा। और इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया जिस दिन ये निशानी जाहिर हो जाएगी उस दिन के बाद रूए ज़मीन वालों के लिए तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। फिर गुनागार उस दिन के बाद जितने दिन क़यामत में रह जाएंगे फिर गुनागार गुनागार है, फिर स्याकार स्याकार है, फिर बदकिरदार बदकिरदार है, फिर काफिर काफिर है, फिर मुशरिक मुशरिक है। उस वक़्त फिर कलमा पढ़ना काम नहीं देगा, उस वक़्त फिर गुनाहों से, बदकारियों से, शराबों से, झूठ से, गीबत से, गिले से, शिकवे से, हसद से, किज़ब से, बुगस से, गीबत से, फिर उस दिन की तौबा काम नहीं देगी। फरमाया जिस दिन सूरज मगरब से निकल आएगा उस दिन के बाद तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, यानी हमेशा सूरज का, मैं एक मिसाल यहाँ पर कोड इसलिए की, हमेशा सूरज का मशरक से निकलना ये फितरत इलाही है। क्या बोलिए, फितरत इलाही है, ये एक रूटीन में अल्लाह तबारक व तआला का तख्लीक करदा निज़ाम है। और कुर्बे क़यामत में, क़यामत के बिल्कुल करीब जाके सूरज का एक दिन मगरिब से निकल आना ये अल्लाह ताला की कुदरत है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है।
इसी तरह हमेशा माँ और बाप के मिलाप से औलाद का पैदा होना, ये अल्लाह तबारक व तआला की फितरत और निज़ाम है ये उसका। लेकिन वो मालिक है, वो चाहे तो बगैर माँ और बाप के आदम को पैदा कर दे, और चाहे तो बगैर बाप के सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम यीशुस को पैदा कर दे। ये बात इस्लामी अकीदे के तौर पर कन्फर्म रहे कि मुसलमानों का अकीदा ये है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक कि हज़रत ईसा को अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर बाप के पैदा फरमाया। इसलिए आपको खालिक़े कायनात ने अपनी मुकद्दस निशानी के तौर पर पूरी कायनात के सामने रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुकाम पर सूरह मरियम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़िया जो है आपकी पैदाइश का यानी आपके मीलाद का वाक़िया जो है अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी एक एक छोटी से छोटी तफसील जो है अल्लाह पाक ने वो भी बयान फरमाई। कुरान मजीद में कई अंबिया इकराम ऐसे हैं जिनके बचपन के वाक़ियात और जिनका मीलाद और जिनकी पैदाइश जो है अल्लाह तबारक व तआला ने उनके मीलाद का ज़िक्र फरमाया है। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के मीलाद का ज़िक्र कुरान मजीद ने बड़ी तफसील से किया है। इसी तरह जैसे आप परसों सुन चुके हैं हज़रत सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं आपकी पैदाइश का मीलाद का ज़िक्र जो है वो बड़ी तफसील से अल्लाह पाक ने फरमाया है, मन्नत मानने से लेकर उनकी पैदाइश तक, फिर उनकी मुबारक ज़िंदगी, उनकी मुकद्दस ज़िंदगी को खालिक़े कायनात ने बयान फरमाया, उनकी करामात को बयान फरमाया। अब इस मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी तफसील के साथ हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के मीलाद के वाक़िया को बयान किया। फरमाया कि जब सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने आके हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को तन्हाई में फूंक मारी, अल्लाह तबारक व तआला की अमर से सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम उस प्रोसेस में दाखिल हो गई जो कि किसी भी इंसान की पैदाइश के लिए एक खातून के जिस्म के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जो है उसको चलाता है। फिर जब वो वक्त आया तो खालिक़े कायनात इरशाद फरमाते हैं فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَقَانًا قَصِيًّا، سیدہ مریم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ان کو یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے شکم میں لے لیا، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَقَانًا قَصِيًّا، اور آبادی سے دور الگ ہو کر ایک مقام پر جا بیٹھی۔ فَأَجَاءَ أَهْلُ الْمَخَاضِ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ کمال اس کی قدرت ہے یا یوں کہہ لیں کہ اپنے خاص جو اس کے پیارے بندے ہیں ان کے ساتھ اس کا یہ پیار ہے کہ ان کیفیات کو جن کو عام انسان بھی ذکر نہیں کرتے ہیں، عام انسان بھی ان کا ذکر نہیں کرتے، اس طرح کی کیفیات کو अल्लाह तबारक व तआला ने उस मौके पर होने वाले हज़रत मरियम के दर्द की कैफियत को भी अपने कलाम का उन्वान बनाया है। ये बड़ा मुकाम है हज़रत सैयदा मरियम का, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुसलमानों को इस बात की तरफ भी तवज्जो मबजूल करवाना है कि उसके बंदों पर जो हाल भी गुजरते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको भी अपने कलाम का उन्वान और मौजू बनाता है ताकि क़यामत तक आने वाले लोग उस हाल को बार बार पढ़ते रहें और इस बात को समझते रहें कि अल्लाह के बंदों पर जो कैफियात वारिद होती हैं खुदा ताला उसके ज़िक्र को बार बार पसंद फरमाता है, उसके ज़िक्र को बार बार पसंद फरमाता है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की कुर्बानी 1300 साल पहले हुई, 1300 साल से उम्मत याद कर रही है, 13,000 साल भी गुजर जाएंगे तो उम्मत याद करती रहेगी। किस लिए? कि अल्लाह तबारक व तआला ने यह अपनी सुन्नत दे दी है कि उसके बंदों पर जो अहवाल मुतरतब होते हैं वो दुख तकलीफ के हों तो खालिक़े कायनात उसका भी बयान करता है, इसलिए कि खालिक़े कायनात को उन बंदों से वैसे ही प्यार होता है। यानी जिन चीज़ों को हम जुबान से नहीं कहते अल्लाह तबारक व तआला ने उसका बयान फरमाया, फ़अजा अहल मखाद इला जिज़ इन नखला
फरमाया कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को वो जो दर्द हुआ उस कैफियत में, जिसको दर्द ज़े कहते हैं, फरमाया कि वो उनको एक खजूर के तने की तरफ ले आया। قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا। उस आलम में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं वो बड़ी परेशान थीं, साफ ज़ाहिर है बड़ी परेशान थीं। आपसे परेशानी में ये जुमले निकले, قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا, या अल्लाह मैं भूली बसरी क्यों ना हो गई, मैं इससे पहले मर क्यों ना गई। अल्लाहु अकबर। अच्छा, इसमें एक और बात भी बड़ी समझने वाली है, यानी कुरान मजीद के इस फरमान के मुताबिक वो जो दरख्त था, वो जो दरख्त था जिसके पास हज़रत सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम गईं, वो ये जिसको इस कंट्री में या दीगर क्रिश्चियन कंट्रीज़ में जिसको यूलेथ्रे कहा जाता है या क्रिसमस ट्री कहा जाता है, कुरान मजीद कहता है वो नहीं था बल्कि वो खजूर का दरख्त था। वो कौन सा दरख्त था? वो खजूर का दरख्त था। कुरान मजीद की तालीमात तो ये हैं, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम खजूर के दरख्त के पास गईं और इंतहाई परेशान, इंतहाई परेशानी की कैफियत में थीं। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त करीब था। फरमाया जब हमने उन्हें परेशान देखा तो हमने क्या किया, फनादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी कद जाला रब्बू की तहता की सरिया। फरमाया सैयदा मरियम को उस हालत में भूख और प्यास जो थी वो महसूस हुई, वो परेशान हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने का वक्त करीब आ गया, जब इंतहाई परेशान हुई और उनसे परेशानी के जुमले निकले तो हमने क्या कहा, फनादाहा मिन तहतिहा, फिर हज़रत मरियम को हमने खुद ही आवाज़ दे दी। फरमाया जब हमने उन्हें परेशान देखा अपनी नबी की वालिदा मोहतरमा को, तो हमसे हमने हज़रत मरियम को अपने मलाइका के ज़रिए से, सैयदना जिब्रील अमीन के ज़रिए से हमने आवाज़ दे दी, अल्ला तहज़नी कि ऐ मरियम आप परेशान ना हों, कद जाला रब्बू की तहता की सरिया, आपके रब ने जहाँ आप बैठी हैं उस जगह के नीचे पानी का चश्मा जारी फरमा दिया। आप ना परेशान हों, आपका रब आपके साथ है, आपके बेटे को वो कायनात में एक निशानी के तौर पर लाना चाहता है, तो आप क्यों परेशान हैं। महुज़ी इलैह की बिजिज़ नखला तुसाक़िक अलैह की रुतबन जनिया। वो पास जो खजूर का दरख्त था, वो खजूर का दरख्त जो था वो हरा भरा ना था, वो सूखा हुआ दरख्त था, वो सूखा हुआ दरख्त था, उसके पत्ते भी जो थे वो सरसब्ज ना थे। जब सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम परेशान हुई, उस खजूर के दरख्त के पास पहुंच गई, खालिक़े कायनात फरमाते कि हमने आवाज़ दी कि आपके नीचे से पानी का चश्मा जो है, आप जिस जगह पर बैठी हैं वहाँ से जारी करते हैं, और ये पास जो आपके खजूर का दरख्त है इसको आप हिलाएं तो आपके हिलाने से क्या होगा। फरमाया वहुज़ी इलैह की बिजिज़ नखला तुसाक़िक अलैह की रुतबन जनिया। फरमाया इस खुश्क खजूर के दरख्त को हाथ लगाना सैयदा मरियम आपका काम है, आप इसको बस हाथ लगाएं, अल्लाह तबारक व तआला इससे तरोताज़ा पकी हुई खजूरें आपके ऊपर नाजिल करेगा। अल्लाह तबारक व तआला पकी हुई तरोताज़ा खजूरें आपको नाजिल करेगा। नीचे पानी का चश्मा भी हमने निकाल दिया है जहाँ बैठी हैं, ऊपर से खजूरें हैं, आप खाएँ और पिएँ। फकुली बशरबी वकरी आईना। फरमाया कि आप खाएं और पिएं और ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर अपनी आंखों को ठंडा करें। एक ने बड़ा जो है वो एक नुक्ता है समझने वाला कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये पैगाम दे दिया अपने इस फरमान के जरिए से कि अगर खालिक़े कायनात चाहता तो उस खजूर के तने से बगैर सैयदा मरियम के हाथ लगाए भी वहां से खजूरें गिर सकती थी। बोलिए गिर सकती थी या नहीं? वो फरमा जो रहा है, वो खजूर का खुश्क तना जो था उसको वैसे ही फरमा देता कि तू मेरी पाकीज़ा बंदी को, मेरी इबादत गुजार बंदी को तू खजूरें जो है वो अपनी खजूरें गिरा इनके ऊपर और इनको खजूरें मिलें। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा नहीं फरमाया, खालिक़े कायनात ने फरमाया ऐ सैयदा मरियम आप हाथ लगाएं ता
ताकि क़यामत तक इस चीज़ का ज़िक्र मेरे कुरान में होता रहे, लोग समझें इस बात को कि अल्लाह तबारक व तआला खुद कादर मुतलिक होने के बावजूद अपने पाकीज़ा बंदों को, अपने औलिया को, अपने वलियों को, अपने नबियों की माओं के हाथ की बरकत जो है वो कायनात को दिखाना चाहता है कि खाली नबी तो बरकत वाला होता ही है, नबी तो बरकत वाला होता ही है, मगर नबी की जो माएँ होती हैं उनके हाथों में इतनी बरकत है कि खुश्क खजूरों को हाथ लगा दें वो सरसब्ज हो जाया करती हैं। और दूसरा मैंने अर्ज किया था कि सैयदा मरियम अल्लाह की नबी नहीं है, नबुव्वत के नीचे सबसे बड़ा जो मुकाम है वो विलायत का है। या तो आपकी अजमत में ये कहा जा सकता है कि आप एक नबी की वालदा हैं, और या दूसरी बात कही जा सकती है कि आप एक अल्लाह की वली हैं, अल्लाह की वली हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ये दिखा रहा है कि जो मेरे वली होते हैं वो खुश्क तनों को भी हाथ लगा दें तो खुदा ताला उन्हें सरसब्ज कर दिया करता है। फरमाया कि उससे खजूरें जो हैं वो गिरी, पानी के चश्मे हमने जारी कर दिए। और सैयदा मरियम से फरमाया फकुली वश्रबी वक़र्री ऐना, कि ऐ सैयदा मरियम आप खाएँ और पिए और अपनी आँखों को ठंडा करें। फ़ैम्मा तारा यन्ना मिनल बाशरी अहदन फ़कूली इन्नी नज़र तुल्लिर रहमान सौमा फलन उकल्लिमल यौम इंसिया। फरमाया कि अगर आपसे कोई बंदा सवाल करे, अगर आपसे कोई बंदा सवाल करे, अब वो कैफियत को आप ज़रा समझें कि सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम का निकाह तो हुआ नहीं, शादी तो हुई नहीं, किसी बंदे ने आपको हाथ लगा के कभी मस भी किया नहीं, अल्लाह तबारक व तआला का अमर हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला के अमर से सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। अब इंसानी मुआशरा हो, इंसानी फितरत हो, सो ऐसी कंडीशन में कौन कौन सी बात है जो ज़ुबान से नहीं निकलती। अगर ऐसी कंडीशन इस मुआशरे में कोई सामने आ जाए तो उसको आप मिसाल में रख कर तो ज़रा उस आलम को देखें आज से 2000 साल पहले की हालत को, कि सैयदा मरियम जो बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ थी, हमेशा इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, रोज़ादार, शब जिंदादार, जिनकी तरबियत अल्लाह के नबी सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, और जिनके मुतलक उनके मुआशरे का कोई बंदा एक लफ्ज सोच भी नहीं सकता कोई ऐसा जो कि अदब व एहतराम के ख़िलाफ़ हो, उनके पास जब उनकी गोद में अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे को पैदा फरमा दिया अपनी कुदरत से, सो खालिक़े कायनात फरमाते हैं कि ऐ सैयदा मरियम आपने इस तरह करना है, या अल्लाह क्या करूँ। फरमाए फ़इम्मा तरयिन्ना मिनल बशरी अहदन, अगर आप किसी अब दूसरे इंसान को देखें, अब आपने अपने पहले तो आप दूर मुकाम पे चली गई थी अपने घर से, अब आपने वापस भी तो अपने मोहल्ले में अपने हाउस में आपने वापस जाना है, जब आप वापस जाएं तो आप इस तरह करें फकूली इन्नी नज़र तो लिर्रहमानी सौमा। तो अगर किसी इंसान ने आपसे कोई बात करना चाही तो आप उसको ये फरमा देना कि मैंने अपने रब की रज़ा के लिए चुप का रोज़ा रख लिया है। फलन उकल्लिमल यौम इंसिया, सो आज मैं किसी इंसान से कतन कोई गुफ्तगू नहीं करूँगी। फरमाया सैयदा मरियम आपने बिल्कुल खामोश हो जाना है, और अगर कोई बंदा आपसे बात करने की कोशिश करे, कोई मोहल्ले की औरत आए, कोई आगे पीछे मोहल्ले की आसपास की औरतें आ जाएंगी आपको देखकर, अगर कोई भी बंदा, कोई औरत, कोई आपसे बात करना चाहे तो आपने बात नहीं करनी, इशारे से उनको बता देने कि मैंने चुप का रोज़ा रखा हुआ है और मैं किसी भी इंसान से आज बात नहीं करूँगी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने खामोश करवा दिया। चलते चलते मैं अर्ज करता चलूँ कि चुप का रोज़ा जो है ये शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये जायज़ नहीं है। ये हमारे यहाँ इस्लाम में यानी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है कि कोई शख्स सारा दिन बिला उज़्र शरी बगैर किसी वजह की बात ना करे और कहे मेरा जी चुप का रोज़ा है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर मौजूद नहीं है। मगर हज़रत सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म दिया,
सैयदा मरियम ने हुक्म की, साहबदार तामील फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाते हैं, फअतत बिही कौमहा तहमिलु قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا। फरमाया कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उस जगह से अपने बच्चे को गोद में उठा के तो अपनी कौम की तरफ वापस आ गई। जब वापस आई तो वो जिनकी पाकबाजी के मुतल्लक लोग कस्में खाया करते थे, वो जिनकी ख़ानदानी वजाहत और ख़ानदानी इज्जत और अजमत के लोग हवाले दिया करते थे, अब उस कंडीशन में हज़रत सैयदा मरियम एक नौजायदा बिल्कुल छोटे बच्चे को, एक आध दिन के बच्चे को उठा के जब अपनी कौम की तरफ आईं तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वो लोग बोल उठे, कहते कालू या मरियम हो लकद जित शैयन फरिया। वो कहती है ए मरियम, तू तो हमारे पास बड़ी अजीब चीज़ ले आई है। या उख्त हारून मा कान अबू किमरा असाउं वमा कानत उम्मु की बागिया। फिर उन्होंने जो बातें की अल्लाह तबारक व तआला उनको भी कोट फरमाते अपने कुरान में। अल्लाह पाक फरमाते जब वो ईसा अलैहिस्सलाम के नौजायदा छोटे बच्चे को लेकर आ गई, हमने चुप के रोजे का हुक्म दे दिया कि बात आपने नहीं करनी। अब कौम की औरतें हैं, आस पास की औरतें हैं, मोहल्लेदार हैं, वो जूं जूं देखती हैं, बात फैल गई सारी कम्यूनिटी के अंदर कि मरियम के पास एक बेटा है, मरियम के पास एक बेटा है, मरियम के पास एक बेटा है। बात जो है वो फैल गई। जब फैल गई लोग बारी बारी करके आ गए, लोग ताने देने लगे, लोग जुबान दराजियाँ करने लगे, लोग बुरा भला कहने लगे। अल्लाह पाक फरमाते यहाँ तक उन्होंने कहा दिया या उख्त हारून ए हारून की बहन, माँ काना अबू किमरा सौइन वमा कानत उम्मु की बगिया, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था, वमा कानत उम्मु की बगिया, ना ही तेरी माँ भी बदचलन औरत थी, वो एक बड़े आला घराने से तल्लक रखती थी, तू तो बड़ी अच्छी फैमिली के साथ तेरा तल्लक था, तेरा बाप जो था वो हमें सारी उम्र नमाजें पढ़ाता रहा है, हम तो उसके साथ प्यार की खातिर तुझे पालने के लिए तो कुरानदाजियाँ करते रहे हैं। ममा कानत उम्मो के बगैया, ना ही तेरी माँ जो थी वो कोई ऐसी बदचलन औरत थी। या उख्त हारून ए हारून की बहन, ये सारे उन्होंने ताने दिए। मुफस्सरीन ने फरमाया कि हज़रत सैयदना मरियम सैयदना हारून अलैहिस्सलाम जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे उनकी औलाद से थी, इस वजह से उन्होंने हज़रत हारून का नाम लेकर भी ताना दिया। साथ आपके माँ बाप की इज्जत अजमत को बयान किया, साथ उनके नाम ले लेकर के कि आपके माँ बाप तो शरीफ आदमी थे और आप ये बेटा जो है ये आप कहाँ से उठा के ले आई हैं। हज़रत सैयदा मरियम को अल्लाह तबारक व तआला ने चुप के रोज़े का हुक्म दे रखा था, अब सैयदा मरियम पर जब ताने जो थे वो बढ़ गए, तशनी जो थी वो बढ़ गई, इल्ज़ाम जो थे वो बढ़ गए, तो हज़रत मरियम ने बोलना ज़ुबान से तो था नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते फिर हज़रत मरियम ने क्या किया, फअशारत इलैही, हज़रत सैयदा मरियम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा फरमा दिया, फरमाया मैं बोलूँगी नहीं, अगर ये बोलता है तो इससे पूछ लो ये खुद कहाँ से आया। फरमाया मैं तो नहीं बोलती, मेरा तो चुप का रोज़ा है। अब इल्ज़ाम का कोई ना कोई जवाब तो देना था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो भी चंद दिन के थे, पॉसिबल है चंद घंटों के हों, पॉसिबल एक या दो दिन के हों, खबर फैलने में भी वक्त लग सकता है, लेकिन चंद दिनों के थे ये तो कन्फर्म बात है। हज़रत सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम ने यह किया, क्या आपने किया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते फअशारत इलैही, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर दिया कि ये सारी बातें जो हैं मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं, मुझे तो हुक्म है तूने चुप रहना है, तूने नहीं बात करनी, मैं तो अपनी सफाई में जिब्रील के आने का वाकया बयान नहीं कर सकती इसलिए कि मुझे तो चुप का हुक्म है आगे से, मैं तो वो सारी तफसील और डिटेल बता नहीं सकती। फअशारत इलैही, ये जो मेरी गोद में है इसी से पूछ लो ये कहाँ से आया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब सैयदा मरियम ने ये इशारा किया, कालू कैफ नुकल्लिमु मन कहना फिल महदी सबिया, कहते हैं मरियम एक तो आप बेटा उठा लाई हो, खुदा जाने कहाँ से उठा लिया है, और दूसरा अब हमें कहती हो कि ये चंद दिनों का जो बच्चा है इससे पूछे कि ये कहाँ से आए। कालू कैफ नुकल्लिमु फिल महदी मन कहना फिल महदी सबिया, वो कहते हैं कि ए मरियम कभी ऐसा हुआ है कि चंद दिनों के बच्चों ने भी कभी बातें की, जो बच्चा झूले में है, जो बच्चा पंगूड़े में है, जो बच्चा भी चंद दिन का है
आप खुद तो बोलते ही कुछ नहीं और आगे से हमें कहती हैं कि इससे पूछ लो ये खुद कहां से आया। मगर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम ने इशारा किया हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, तो ईसा अलैहिस्सलाम की आल्दर एज कितनी थी? चंद दिन। बोलिए कितनी? चंद दिन। वो जो चंद दिन के सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम थे ना, जब वालदे मोहतरमा ने इशारा किया और अल्लाह तबारक व तआला का अमर ही ऐसे था कि आपने खामोश रहना है, किसी बंदे से आपने बात नहीं करनी, सैयदा मरियम ने जब इशारा किया कि इससे पूछो ये कौन है, वो कहते हैं भाई पहले तो आप वो ले आई, आगे से आप हमारा मिजाक उड़ाती हैं कि हम दो या तीन दिन या चार दिन के बच्चे से पूछें, ये हमें क्या बताएगा। अल्लाह पाक फरमाते जब सैयदा मरियम ने इशारा किया तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में चंद दिन के जो थे उन्होंने ऐसा कलाम फरमाया कि बड़े बड़े फसाहत और बलागत वाले भी ऐसा कलाम नहीं कर सकते। इतना क्लियर कलाम फरमाया, ये अल्लाह के नबी का मौजज़ा भी शुरू हो गया। फरमाया कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल माँ की गोद में हैं, चंद दिन आपकी उम्र पाक है, आप माँ की गोद से अपनी कौम को मुखातब करके कहते हैं सुन लो, काल इन्नी अब्दुल्लाह, फरमाया लोगो मुत्तले हो जाओ कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, आतानी अल किताब वजअलनी नबिया, अल्लाह ताला ने मुझे किताब अता फरमाई है और मुझे नबी बनाकर भेजा है। सुभान वजअलनी मुबारकन अइनमा कुंतु, और फरमाया मेरे वजूद अकदस को अल्लाह तबारक व तआला ने बाबरकत बना दिया है, अइना मा कुंतु, मैं जहां भी रहूं, मैं मां के शिकम में था फिर भी बाबरकत था, अब मां के हाथों में हूं फिर भी बाबरकत हूं, यहां से आसमान पर उठा लिया जाऊंगा फिर भी बाबरकत हूं, आसमान से फिर जमीन की तरफ आ जाऊंगा फिर भी बाबरकत हूं, वजअलनी मुबारकन अइना मा कुंतु, मैं जहां भी हूं अल्लाह ताला ने मुझे बरकत वाला बना दिया है, वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़कति मा दुमतु हय्या, और मैं जब तक भी जिंदा रहूं मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दे दिया। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ की गोद में ये फसीह कलाम इरशाद फरमाया, जिसका बड़ी उम्र के लोग बातें करते हैं। क्यों फरमाया? इसलिए ताकि लोगों को खबर हो जाए कि जिस माँ का दो या चार या दस दिन का बेटा जो है ये इस हमारी बातों को सुन भी रहा है, हमारे इल्ज़ामात को समझ भी रहा है। अब उसका जो जवाब देते हैं तो फरमाते हैं कि मैं कौल इन याब्दुल्लाह, ए लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताबा, अल्लाह ताला ने मुझे किताब अता फरमाई है। ये बात ज़रा तवज्जो से समझने वाली है, जब चंद दिन के ईसा अलैहिस्सलाम थे क्या उन पर इंजील नाजल हो चुकी थी? बोलिए नहीं। क्या उस वक्त आप कोई ऐलान नबुव्वत फरमा रहे थे लोगों मेरा कलमा पढ़ लो? नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को वो उलूम देता है पैदाइशी तौर पर कि ईसा अलैहिस्सलाम चंद दिन के हैं, तो वो जानते हैं मैं अल्लाह का नबी भी हूं और जब मैं बड़ा बालिग हो जाऊंगा तो खुदा ताला मुझे अपनी किताब भी अता फरमा दे। और सब का ऐलान आप बचपन में अपनी माँ की गोद में जो है वो लोगों को करके सुना रहे हैं। कुर्बान जाएं ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो तब ऐलान फरमाया माँ की गोद में आकर, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अर्ज़ की गई हुजूर आप कब से अल्लाह के नबी हैं? हुजूर ने फरमाया कुंतु नबियम व आदम बैनल माय व तीन, फरमाया आदम अभी मट्टी और कीचड़ के दरमियान थे, मैं उस वक़्त भी अल्लाह का नबी था, मैं आदम का तो अभी गारा तैयार किया जा रहा था, खुदा ताला ने उस वक़्त से मुझे नबी बनाया हुआ है। और कुर्बान ये सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के मुकाम व मर्तबा के कि आप माँ की गोद से ऐलान कर रहे हैं, क्या लोगो समझ लो कि अंबिया की जो माएँ होती हैं वो बदचलन नहीं हुआ करती, जिनको खुदा ताला किताबें अता फरमाता है उनकी माओं की भी हिफाजतें फरमाता है, जिनको अपना नबी बनाते हैं उनके माओ और बाप के हिफाजत फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला हर लिहाज से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताजदार कायनात ने फरमाया कि मेरा नूर हमेशा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरी वालदा मोहतरमा हजरत सैयदा आमिना तक और मेरे वालदे गिरामी हजरत सैयदना अब्दुल्ला तक, फरमाया हमेशा मेरा नूर पाकीज़ा पुश्तों से पाकीज़ा रहमों की तरफ मुंतकिल होता हुआ आया।
मेरे सारे वालदैन पाकीज़ा थे। फरमाया अपनी अज़मत जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में बयान की। फरमाया और अल्लाह ताला ने वबर्रम बिवालिदती, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपनी वालदा के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया है। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, और खालिक़े कायनात ने मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु, सुभान अल्लाह। फरमाया तुम मेरी माँ पर सवाल कर रहे हो। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु, जिस दिन मैं पैदा हुआ हूँ ना भी चंद दिन पहले, उस दिन पर भी अल्लाह का सलाम हो। वयौम अमूतु, और जिस दिन मैं कुर्बे क़यामत में वफात पा जाऊँगा उस दिन पर भी सलाम हो। वयौम उबअसु हय्या, और जिस दिन खुदा फिर मेरी वफात के बाद मुझे ज़िंदा करेगा उस दिन पर भी सलाम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ए लोगो ये ईसा इब्न मरियम है। कौल अल-हक अल्लज़ी फीही यमतरून, इस बात में किसी किस्म का शक, फरमाया ये सच्ची बात है जिसमें ये लोग शक कर रहे हैं, इस बात में शक नहीं आना चाहिए कभी भी, और ना ही मुसलमानों को इंशाअल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा फरमा दिया, और वो अज़मतें अता फरमाई कि बचपन में आपने कलाम फरमाया। बिल्कुल जब चंद दिनों के थे बचपन में आपने कलाम फरमाया, और अपनी वालदा की इफ़्फ़तों इज़्ज़त की हिफाजत की और उसकी इत्तला लोगों को दी कि मैं इस वालदा के घर पैदा हुआ हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, और बचपन से ये इल्म रखता हूँ कि खालिक़े कायनात ने मुझे अपना नबी भी बनाना है और मुझे अपनी किताब भी अता फरमानी है। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जूं जूं बड़े होते रहे, आपके ये मोजज़ात जो हैं ये लोगों के दरमियान जो हैं वो फैलते रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मोजज़ा भी अता फरमाया, ये मोजज़ा भी अता फरमाया। अब जब आप बड़े हो गए, आपने ऐलान नबूवत फरमा दिया, फरमाया मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूँ, आपकी अज़मतों को देखते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुरान में हकीम में सूरह आले इमरान के अंदर, सूरह अलमाइदा के अंदर भी ये है, दीगर मुकामात पर भी है, ये बड़ी तफसील के साथ। अब इस मुकाम पर रुक कर मैं पहले, आप बार बार ये लफ्ज़ सुनते हैं, मैं उसकी खुद तारीफ़ जो है वो पहले करना चाहता हूँ ताकि इस बात को आप समझ सकें कि अम्बिया के मोजज़ात जो है, मोजज़ा किसे कहते हैं, क्या चीज़ बोलिए ना, क्या चीज़ मोजज़ा। जिस तरह ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बचपन में चंद दिनों के जब आप थे, आपका बड़े लोगों की तरह फसीह व बलीग कलाम करना, ये आपका मोजज़ा है, ये आपका मोजज़ा है। मोजज़ा याद रख लीजिएगा, इसकी इस वक्त खुट फुर खिलानेंगे, इसकी ये है कि मोजज़ा एक ऐसे काम को कहते हैं जो अक्ल इंसानी को आजिज़ करते हैं, अकल इंसानी को आजिज़ कर दे, यानी अकल जो है फौरी तौर पर उसका कोई मतलब और मफहूम और कोई मीनिंग जो है वो निकाल ना सके। जिस तरह जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में कलाम किया तो वो यकीनन सारी कौम उसकी कोई तोजीह नहीं थी कर सकती, बल्कि अब वक़्त 2000 साल का कम बेश इस बात को गुजर गए इस रूए ज़मीन पर, आज भी अगर 2-4-5 दिन का बच्चा आपके सामने आए और इस तरह बातें करे जिस तरह के 15-20 साल का जवान जो है वो बातें करता है, तो यकीनन आज भी ये बात समझ में नहीं आएगी। यानी मोजज़ा इज़्ज़त से है, ये लफ्ज़ इज़्ज़त से बना है, मुराद इसकी ये है कि ऐसा कोई वाकया जो अक्ल इंसानी को आजिज़ कर दे और वो वाकया अल्लाह के नबी से ज़ाहिर हो, इस शर्त के साथ। किससे ज़ाहिर हो? अल्लाह के, बोलिए ना, अल्लाह के नबी से ज़ाहिर हो, वो मोजज़ा होता है। और अगर ऐसा वाकया जो अक्ल इंसानी को फौरी तौर पर आजिज़ कर दे और गैर नबी से ज़ाहिर हो, उसको करामत कहते हैं, उसको करामत कहते हैं। जिस लास्ट टाइम हमने हज़रत सैयदा मरियम की करामत जो थी वो सूरह आले इमरान से बयान की,
कि आपके पास जो थे वो फल बेमौसम फल आपके पास आया करते थे। ये हजरत मरियम की करामत कहलाएगी, हजरत मरियम का मौजज़ा नहीं कहलाएगी ये बात। अब बात समझ गए। साथ इसके मैं और भी बात अर्ज कर दूँ, बाज़ लोग कहते हैं, सुनते हैं हम ख़ास तौर पर अपनी माओं बहनों से, आम तौर पर लोग ये रूटीन में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जी हमने जी मौजज़ा पढ़ाना है। मौजज़ा किसका? जी हज़रत बीबी फातिमा का रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा। हज़रत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हैं, अल्लाह तबारक व ताला की बरगुजीदा बंदी हैं, मगर मौजज़ा ख़ास होता है नबी के साथ। गैर नबी के साथ मौजज़ा का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया जाता। गैर नबी जो औलिया किराम होते हैं, ये औलिया के अंदर आगे आपको पता है दर्जात होते हैं, यानी लेकिन वो होते तो सारे बली हैं, साफ जाहिर है। वो बहुत बड़े दर्जे पर, बहुत बड़े दर्जे पर भी हो, लेकिन उससे मनसूब कोई ऐसी दुरुस्त बात, ऐसी दुरुस्त बात जो कि उसके मुकाम व मरतबा के और कुरान और हदीस के मुताबिक हो, उससे बाहर ना हो, उसको करामत कहा जाता है, उसको मौजज़ा नहीं कहते। मौजज़ा अम्बिया के साथ खास होता है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को याद रख लें कि दुनिया में जितने भी अम्बिया इकराम को भेजा है, जितने भी अम्बिया इकराम को, हर एक को अल्लाह तबारक व तआला ने मौजज़ात अता फरमा के भेजा है। क्यों? इसलिए कि नबी कोई खाली, जितने भी अम्बिया गुजरे नबी कोई खाली स्कॉलर नहीं थे होते हैं। वो जो दावा करते थे उस दावा की दलील कभी तो अपनी तबलीग से अता फरमाते, यानी कौम को समझाते, बाज़ो नसीहत करते, जो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से पैगाम आता वो पैगाम उन तक पहुँचाते हैं। जितने भी दलाइल ज़ुबान से बयान करने वाले होते वो बयान फरमाते हैं और हमेशा कोशिश करते, लेकिन कभी कोई वक्त ऐसा आ जाता कि कौम मुतालबा ऐसा कर देती कि अब आप अगर हमारा ये बात मान लें तो फिर हम समझेंगे कि वाकई आप अल्लाह के नबी। मौजज़े जहाँ भी आप पढ़ें या सुने उलमा से, मौजज़े में ज़्यादातर जो लोग मुतालबा करने वाले काफिर और मुशरिक होते, साफ ज़ाहिर है मुतालबा करने वाले काफिर और मुशरिक होते, मगर मकसूद ये होता कि अगर अब इन्होंने ज़ुबान से ये बात निकाल दी है तो इनकी बात को पूरा कर दिया जाए, शायद इनमें से कोई बंदा ईमान ले आए और दोज़ख की आग से बच जाए। तबलीग दीन का नफ़ा जो है वो तबलीग दीन करने वालों को कम और सुनने वालों को ज़्यादा हुआ करता। ये बात समझे आप? करने वालों को कम और सुनने वालों को ज्यादा हुआ करता। अब अगर कोई शख्स जहन्नुम की आग से बच जाता मौजज़ा दिखाकर, तो उसमें नबी तो पहले ही अल्लाह के चुने हुए लोग थे, अंबिया तो पहले ही जन्नतों के वारिस थे, वो तो पहले ही अल्लाह ताला के चुने हुए लोग हैं। अगर कोई शख्स दोज़ख की आग से बच जाए तो बताइए इसमें नबी का, अम्बिया का, या अला सबील तनज़ुल जिसे कहते हैं बाद में आने वाले मुबल्लिगीन औलिया किराम का, उलमाए हक का, या उनकी इत्तेबा करने वाले मुबल्लिगीन का, अगर कोई बंदा दोज़ख की आग से बच जाए तो उनका ज़्यादा फ़ायदा या उस बंदे का अपना ज़्यादा फ़ायदा? बोलिए, उस बंदे सुनने वाले का अपना फ़ायदा होता है। अब जब लोग मुतालबा कर देते तो अम्बिया इकराम फिर मौजज़ात भी दिखाते, शायद ये बंदा जो है ये दोज़ख की आग से बच जाए और ईमान ले जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो मुकामात और मरातिब अता फरमाए कुरान मजीद में, उनकी तफसील को खालिक कायनात ने बयान फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को हमने बहुत मौजज़ात अता फरमा के भेजा और आपने फरमाया कि सुनो, अन्नी कद जिक्तुकुम बि आयतिम मिर रब्बिकुम। ये अपनी ज़ुबाने हक तर्जुमान से अपने मुकामात बयान करना। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी बन के आया हूँ। तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास क्या बन के आया हूँ? एक निशानी, एक थाइन बन के आया हूँ, एक आयत बन के आया हूँ मैं तुम्हारे पास। और अल्लाह ताला ने मुझे क्या अता फरमा के भेजा है? अन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीन कहैअति तैरी फअन्फुखु फीही फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। फरमाया लोगों,
मैं तुम्हारे सामने मट्टी के साथ अन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीन, मैं तुम्हारे सामने मट्टी के साथ, तीन मट्टी को कहते हैं, कहई अति तैरे, मैं मट्टी के साथ एक परिंदे की शक्ल बनाऊंगा, मट्टी के साथ मैं एक परिंदे की शक्ल बनाऊंगा, फअनफुखु फीहि, फिर मैं वो जो मट्टी के साथ एक शक्ल बनाऊंगा, मुजस्मा सारा बनाऊंगा मैं जो, फिर मैं उसके ऊपर दम करूंगा, फिर मैं उसके ऊपर दम करूंगा, फिर मैं उसको फूंक मारूंगा, तो होगा क्या, फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, फरमाया फूंक मारना मेरा काम है, अल्लाह के हुक्म से वो मट्टी परिंदा बनकर तुम्हारी आंखों के सामने उड़ने लग जाएगी। ये बड़ा अजीम शान मौजज़ा है। फरमाया ये जमीन से लेके तुम्हारे सामने मट्टी में पकड़ के पहले उसकी सूरत बनाऊंगा, फिर उसके अंदर मैं फूंक मारूंगा, तो कमाल देखना जो खुदा ने मुझे अता फरमाया है, फयकून तैरन, परिंदा हो जाएगी वो, तैरम बिज़्निल्लाह, तुम्हारे सामने वो परिंदा बन के उड़ने लग जाएगी। उलमाए मुफस्सिरीन इस मुकाम पर फरमाया है कि हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये दावा किया तो उन लोगों ने कुछ मुतालबात किए, मुखालिफीन बड़े बड़े मुश्किल सवाल ढूंढ के लाते हैं, हमेशा इंसान की तारीख है, जो बंदा पसंद ना हो उसके ऊपर मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन लेके आना, ताकि ये फंसे किसी मुकाम पर। जो लोग मानने वाले नहीं थे उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर बड़ा मुश्किल क्वेश्चन जो था वो लेके आए, कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम आप कहते हैं मैं मट्टी से परिंदा बनाऊंगा, फिर उसके अंदर फूंक मारूंगा, फिर वो उड़ने लग जाएगा तुम्हारे सामने, और इस सारे प्रोसेस का मुतालबा और डिमांड क्या है ईसा अलैहिस्सलाम की? डिमांड ये, अच्छा जिस खुदा पर मैं यकीन करता हूँ तुम भी यकीन करें, इतनी सारी बात है सारी, तुम मेरा कलमा पढ़ लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कब्र हशर में अपने अजाब से महफूज रखेगा, इसका मुतालबा सिर्फ इतना है हमारा। उन्होंने कहा आपने ऐसा फरमाया, आपने फरमाया हाँ मैंने ऐसा कहा, अल्लाह ताला ने मुझे ये ताकत दी है, ये कुव्वत अता फरमाई है, ये मौजज़ा मुझे अता फरमाया। उन्होंने कहा अच्छा अगर ये बात है तो हम ये चाहते हैं कि आप एक ऐसा परिंदा बनाएं, एक ऐसा परिंदा बनाएं जो परिंदा होने के बावजूद बच्चे देता हो। आपको पता होना चाहिए कि परिंदे हमेशा अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते। उन्होंने कहा चलो इस तरह का मुश्किल काम करते हैं कि माज अल्लाह उन्होंने अल्लाह के नबी को ये जो अपनी मिसल के आस करना, ये सबसे बड़ा फितना रहा है, ये सबसे बड़ा फितना है तारीख नबूवत का। कुरान मजीद ने, हमें उस बात पे चला गया तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कुरान मजीद ने जिस मुकाम पर भी कुफार के और अम्बिया के रिलेशन को बयान किया है ना, ये मैं आपको ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, ये सारी याद ये इस किताब के अंदर मेरे सामने लिखी भी हैं रिफरेंस के तौर पर, जितने भी कुफार और अम्बिया के रिलेशन अल्लाह पाक ने बयान फरमाए, कुफार का ये बहुत बड़ा, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कुफार की गुमराही की जो बड़ी रीज़न अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई है वो ये है कि कुफार अंबियाए किराम को अपने जैसा समझा करते थे, अंबियाए किराम को अपने जैसा समझते थे, नहीं अगर हम नहीं दीवार के पार देख सकते तो इनको भी क्या नजर आता होगा, अगर हम ये काम नहीं कर सकते तो ये भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम से कि ईसा अलैहिस्सलाम अगर आपने कोई परिंदा बनाना है तो परिंदा ऐसा बनाएं जो अंडे ना देता हो, जो बच्चे देता हो। आपने फरमाया कोई और मुतालबा है तो वो भी मुझे बता दो। मुफस्सरीन ने कहा, उन्होंने कहा अच्छा एक हमारा मुतालबा ये है कि दिन को सोता हो और रात को जागता, दिन को सोए और रात को जागे। आपने फरमाया और कुछ? अच्छा इस तरह की उन्होंने कुछ चीज़ें जो थी ना वो बयान की। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने मट्टी पकड़ी, मट्टी से लेकर जो आपने परिंदा बनाया वो परिंदा, मुफस्सरीन ने लिखा कि उससे पहले दुनिया के अंदर उसका वजूद कोई नहीं था, वो परिंदा आपने जो बनाया उसको हमारी ज़ुबान में चमगादड़ कहते हैं, नोश में उसको कहते हैं फ्लागर मूस, एफ एल आ गे गे ए आर एम यू एस, FLAGGERMUSE, फ्लागर म्यूज़, उर्दू ज़ुबान में इसको चमगादड़ कहते हैं।
ये एक ऐसा परिंदा है जो परिंदा होने के बावजूद वाहिद परिंदा है जो कि बच्चे देता है, एग्स नहीं देता। ये दिन को सोता है, रात को उड़ता है और सरे शाम उड़ता है। ये वो परिंदा था जिसके उन्होंने बड़े हीले बहानों से बड़ी मुश्किल क्वेश्चन करके हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के पास लेकर आए कि अगर आप कोई ऐसा परिंदा बना के दिखा दे तो हम आपको मान जाएंगे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मट्टी पकड़ी, उसकी वो शक्ल व सूरत बनाई, उसके पैर बनाए, सारा कुछ बना के आपने उसके ऊपर दम किया। दम करने की देर थी, फयकून तैरम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि वो परिंदा बनकर अल्लाह के हुक्म से फिजा में उड़ने लग गया। दूसरा मौजज़ा खालिक़े कायनात इस मुकाम पर बयान फरमाते हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व उबरीउल अकमह, फरमाया मेरे पास अगर मादरजाद अंधा ले आओ, मादरजाद अंधा ले आओ अगर तुम मेरे पास, जो माँ के पेट से शख्स नाबीना पैदा हुआ है, जो ब्लिंद है, जो माँ के पेट से नाबीना पैदा हुआ है, वो मेरे पास एक ब्लाइंड शख्स को अगर ले आओ तो मैं उसको दम करूंगा, अल्लाह ताला उसकी आंखों में नूर पैदा फरमा देगा। माँ के पेट से जो नाबीना पैदा होता है, मेरे ख्याल में जहां तक मेरी मालूमात है शायद आज भी उसका कोई इलाज दस्तियाब ना हो। और उस दौर में यूनान की हिकमत जो है, ये जो ग्रीस है, इसकी हिकमत बड़े उरूज पर थी, बड़े उरूज पर थी। चंद एक बीमारियां थी जिनका इलाज, बहरहाल इसको मैं आगे जाके अर्ज करता हूँ, जो उनके पास नहीं था। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तीसरी चीज मैं आपको तुम्हें ये बताता हूँ, बल अब रसा, मेरे पास कोढ़ का मरीज ले आओ। किस चीज का मरीज? कोढ़ का मरीज। कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म जो है ये सारा अपना रंग बदल कर तो के सफेद हो जाता है, जिल्द ऊपर से या तो उतर जाती है या वो कलर चेंज कर देती है। एक नॉर्मल इंसान की जिल्द होती है ना, ये जिल्द सारी सफेद होके तो इसके अंदर सख्त खारिश होने लगती है, बड़ी सख्त बीमारी। अल्लाह तबारक व तआला हर एक को महफूज फरमाए। और उस दौर में इसका कतन कोई इलाज दस्तियाब ना था। फरमाया, बल अब रासा, और मेरे पास अगर कोढ़ का मरीज ले आओ, मैं उसके ऊपर हाथ फेरूंगा, मस करूंगा अपने हाथ को, अल्लाह तबारक व तआला उसको शिफा दे देगा, सिर्फ मेरे हाथ लगाने से शिफा मिल जाएगी। चौथी चीज बयान फरमाई इस मुकाम पर, फरमाया, वाउहिल मौता, वाउहिल मौता बिइज़्निल्लाह, फरमाया उससे भी बड़ा मैं तुम्हें अपना मौजज़ा ये दिखाता हूं, उससे भी बड़ा मौजज़ा ये दिखाता हूं। कोई बंदा तुम्हारा मर गया हो, दुनिया से जा चुका हो, मुर्दा हो, मुर्दा, फरमाया वाउहिल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं मुर्दे को भी अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर सकता हूं। अल्लाह ताला ने कैसी शान अता फरमाई अपने अंबिया को, फरमाया वाउहिल मौता बिइज़्निल्लाह, फरमाया मुर्दा हो, कब्र के अंदर जा चुका हो, तुम दफना के घर वापस आ चुके हो, फरमाया मुझे कहो, मैं कब्र पे खड़े होकर आवाज दूंगा, अल्लाह ताला उसको जिंदा फरमा देगा। पांचवा मौजज़ा बयान फरमाया, फरमाया पांचवा यह है, उनब्बीउकुम बिमा ताकुलूना वमा तद्दखिरूना फी बुयूतिकुम, और मैं पांचवी चीज मैं तुम्हें यह बताता हूं कि जो चीजें तुम घरों से खा के आते हो, जो चीजें घरों से खा के आते हो, ये इल्मे गैब की अकसाम में से है। फरमाया जो घरों से खा कर आते हो, अब हमारे पास जितने भी अफराद यहां पर बैठे हैं, कोई एक भी शख्स ये नहीं बता सकेगा कि दूसरा शख्स घर से क्या खा के आया। मुझे आपका नहीं पता, आपको मेरा नहीं पता, ये भूखा बैठा हुआ डेढ़ घंटे से बोल रहा है या खा के बोल रहा है, मुझे आपका नहीं पता, भूखे सुन रहे हैं या खा पी के सुन रहे हैं, आप बात को समझे। कोई भी शख्स किसी को ये नहीं बता सकता कि वो घर से क्या खा के आया है। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने वो मुकाम और मर्तबा दिया है कि वह उनब्बीउकुम बिमा ताकुलूना वमा तद्दखिरूना फी बुयूतिकुम, जो घरों से खा कर आते हो वो भी बताऊंगा, और जो घरों में छुपा कर आते हो वो भी बता दूंगा। जो घरों में, जो शेड्स का आपके अंदर रख के बाहर से किचन को लॉक करके उसके बाद बाहर वाले दरवाजे को बंद करके फिर यहां पर आ गए हो ना मेरे पास, फरमाया जो कुछ कहोगे मैं वो भी बयान कर दूंगा,
जो तुम्हारे घरों के स्टोर में, जो कुछ तुम्हारे फ्रीजर में पड़ा हुआ, जो सवेरिए की शिलिंग लाला के तुमने अंदर डाली हुई है, जो कुछ भी तुम चाहते हो ना, जो तुम्हारे घरों में पड़ा हुआ वो भी बता दूंगा, जो खा के आए हो फौरी तौर पर वो भी बता दूंगा, और है क्या, फरमाया इन्ना फी ज़ालिका लआयतल्लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, फरमाया मेरे सुनने वालों समझो ना, इन सारी चीजों में निशानियां हैं तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से, इनको अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम ईमान वाले हो, नारा नबी का मुकाम और मर्तबा तो देखो। फरमाया परिंदों को बनाकर हाथों से फूंक मारूंगा, अल्लाह ताला परिंदा बना के फिजाओं में उड़ा देगा। फरमाया कोई कोढ़ का मरीज आ जाए उसके ऊपर हाथ फेरूंगा, अल्लाह ताला शिफाएं दे देगा। माँ के शिकम से अंधा पैदा हुआ हो मेरे पास ले आओ, दम करूंगा, अल्लाह ताला शिफा देगा। घरों में जो खा के आते हो, जो बचा के आते हो, मेरे पास आ जाओ, मेरे ऊपर सवाल करो, हर चीज मैं तुम्हें बता दूंगा। और सबसे बड़ी बात जो अक्ल इंसानी को हैरान करने वाली है, सारी हैरान करने वाली, मगर सबसे बड़ी अक्ल इंसानी को हैरान करने वाली बात ये फरमाई, फरमाया उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, मुर्दों को तुम्हारे सामने जिंदा करके खड़ा कर दूंगा। बंदा मर जाए, दुनिया से चला जाए, याद रख लेना नबी की दुआ से वो भी जिंदा होता है, नबी की दुआ से मुर्दा भी जिंदा होता है और हुए हैं। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने, जो मुफस्सरीन ने फरमाया, अपनी हयात तय्यबा में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने चार मुर्दों को जिंदा फरमाया। कितने मुर्दों को? चार मुर्दों को जिंदा फरमाया। और ऐसा भी हुआ है कि वो लोग जो मर गए थे, कब्रों में चले गए थे, उनमें से एक जो मुफस्सरीन ने बयान फरमाया, तीन लोग तो आपके अपने दौर के थे, तीन लोग तो आपके अपने दौर के थे जिन्होंने, जो कब्रों में चले गए उनको आपने जिंदा फरमाया, और एक दफ़ा कौम ने मुतालबा कर दिया कि हमारे सामने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को जिंदा करें, हम कश्ती वालों का हाल पूछना चाहते हैं, जो उससे भी हज़ारों साल पहले कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान आया था। कौम ने मुतालबा कर दिया कि हमारे सामने हाल बयान करें उन लोगों का, और हम चाहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा खुद खड़ा होकर हाल बयान करे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से मुफस्सरीन ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को भी जिंदा फरमा दिया, उन्होंने कब्र से उठ के लोगों को, कश्ती वालों का हाल सुनाया। यानी फरमाया वहयिल मौत बिइज़्निल्लाह, खाली दावा नहीं किया, अमली तौर पर प्रैक्टिकल करके दिखाया कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को इतना कुछ दिया होता है, इतना कुछ दिया होता है, वो चाहे तो मुर्दे भी जिंदा कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला के मुआमलात जो हैं वो उसी को बेहतर जानते हैं। मैं ये कहता हूँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी, उनकी तो ज़ात बाबरकात, जिसे ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया ना, वजअलनी मुबारकन अइनमा कुंतु, मैं जहाँ भी हूँ मैं अल्लाह की तरफ से बरकतें में बरकतें रखता हूँ, हर जगह पर मैं बरकत वाला हूँ। नबी तो बड़ी दूर की बात है, बड़ी दूर की बात है। कुरान मजीद ये बयान फरमाता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने एक ऐसा शख्स, ये बात ज़रा सुनिएगा, ईमान को ताज़ा कीजिएगा, एक ऐसा शख्स जो नेक साले मुत्तकी था, नेक साले मुत्तकी था, अपने माँ बाप का फरमा बरदार था, उसकी गाय से, उसकी गाय से, ये सूरह अल बकरा जो पहला पारा पढ़ते, ये पहले पारे के अंदर ये सारा वाकया है। बनी इसराइल के यहाँ एक कत्ल हो गया और कत्ल करने वाला भतीजा था, कातिल भतीजा था, कत्ल होने वाला चचा था। बस ये बात अर्ज करके तो मैं आपको वजाहत सिर्फ करना चाहता हूँ अल्लाह तबारक व ताला के करम की। कत्ल होने वाला चचा था, कत्ल करने वाला भतीजा था, चचा जो था वो बे औलाद था मगर बहुत अमीर आदमी था। भतीजा दुनिया के मालो दौलत में आकर जो था वो बहक गया, उसने उसको कत्ल कर डाला, उसकी जायदाद के ऊपर कब्जा करने के लिए। अब कातिल भी खुद ही था, मुद्दई भी खुद ही था। कत्ल किया, कत्ल करके जाके सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ तो कहता है कि मेरा चचा किसी ने कत्ल कर दिया है, उसके कातिल को आप ढूंढें। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की, उसके बाद ये सारा रुकू आप सूरह बकरा से पढ़ सकते हैं। दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अच्छा हमारा एक अपना निज़ाम है, हम तुम्हें अपनी कुदरत की एक और निशानी दिखाते हैं,
आप अपनी कौम से कहें कि एक गाय ज़िबा करें, उस गाय को ज़िबा करके उस गाय का एक टुकड़ा लेकर उस मुर्दे के ऊपर मारें, अल्लाह ताला मुर्दे को जिंदा कर देगा और मुर्दा खुद बताएगा मेरा कातिल कौन है। ये सारा रुकू आप कुरान मजीद का पढ़ें, सूरह अल बकरा में, सिर्फ बकरा कहते ही गाय को इस वजह से सूरत को सूरह अल बकरा कहा जाता है, इसमें गाय का वाकया है। अल्लाह तबारक व तआला बहरहाल इरशाद फरमाते हैं कि उन्होंने वो गाय ली, वो गाय किस बंदे की थी, अल्लाह ताला ने बार बार उनके पूछने पर निशानियां बयान फरमाई, इस कलर की हो, इस उम्र की हो, ये काम करती हो, ये काम उसने ना किया हो, वो सारा कुछ बयान फरमाया। वो गाय उस शख्स की थी जो एक नेक साले आदमी था और उस माँ बाप का बड़ा फरमा बरदार था, उस शख्स की गाय थी, उसके अंदर वो सारी निशानियाँ पूरी होती थी और किसी गाय के अंदर निशानियाँ नहीं थी पूरी होती। उसको जब पता चला कि मेरी गाय खरीदे बगैर इनको चारा कोई नहीं, उस नेक आदमी ने भी कहा चलो बिजनेस करते हैं इनके साथ, उसे कहा मैंने तो गाय देनी नहीं, तुम जो मर्जी कर लो। उनका नहीं, हमारी बड़ी मजबूरी है, हमने कातिल को ढूंढना है, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया गाय तलाश करो, इसी इस निशानियों की हो, उसको ज़िबा करके हम इसको टुकड़ा मारना है। उन्होंने कहा अच्छा जितना मेरी गाय का वजन है इसको एक तरफ कर लो, दूसरी साइड पर गोल्ड सोना जो है वो तोलो, जब दोनों बराबर हो गए सोना मुझे दे जाना, गाय तुम ले जाना। मुफस्सरीन कहते हैं ऐसा ही हुआ, वो गाय ज़िबा की गई। मैं अर्ज करने लगा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते फ़कुल नद्रिबूहू बिबादिहा। अब जब तक आयत करीमा में आपको सुनाऊंगा नहीं तो मुझे खुद तसल्ली नहीं होगी। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का वाक्य जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुकाम पर बयान फरमाया, हाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उन्होंने गाय को लिया, ज़िबा किया, और जब ज़िबा कर दिया फ़कुल नद्रिबूहू बिबादिहा, उसके बाज हिस्से को गाय, उस मुर्दा गाय के टुकड़े को उस मुर्दे के ऊपर मारा, फिर क्या हुआ, कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौता, फरमाया इसी तरह अल्लाह जब चाहता है मुर्दों को जिंदा फरमा देता। मैं कहता हूं अंबियाए किराम का तो मुकाम ही बड़ा आला और अरफा, एक नेक साले अल्लाह का वली उसकी गाय, फिर आगे से वली खुद भी नहीं, वली और नेक आदमी खुद भी नहीं, उसकी गाय, और गाय भी फिर मुर्दा, गाय भी मुर्दा, उसका टुकड़ा पकड़कर अल्लाह ताला ने फरमाया इस मुर्दा को मारो, ये उठेगा और उठ के जिंदा होकर बताएगा मुझे कत्ल किसने किया है। अल्लाह ताला फरमाते कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौता, युहयिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही। अल्लाह ताला ने उन्होंने गाय का टुकड़ा मारा तो खुदा ताला ने उस गाय का टुकड़ा लगने से उस मुर्दे को जिंदा फरमा दिया और उसने फिर उठ के तो अपने कातिल बताया कि मुझे फलां फलां शख्स जो है वो कत्ल करने के अंदर शामिल है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अंबियाए किराम का तो मुकाम और मर्तबा बड़ा आला और अरफा है और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये मोजज़ात अता फरमा के भेजे, ये मोजज़ात अता फरमा के भेजे कि उन्होंने अपनी दुआओं के साथ मुर्दों को भी जिंदा फरमाया, मुर्दों को भी जिंदा फरमाया। हमारे आम लोग जो हैं आजकल ये नेगेटिव माइंड इतना ज़्यादा चल गया है, हर बात में नेगेटिव तलाश कर लेना, हर बात में नेगेटिव तलाश कर लेना। कभी कोई बात सुनो तो मैं नसीहत आपको ये करता हूँ, माओ बहनों बेटियों को भी, आप लोगों को भी, कि जब भी कोई बात सुनो तो कोशिश पहले तो ये करो कि आपको इल्म दीन हासिल हो, फिर आप बहकेंगे नहीं। जब भी कोई बात ऐसी अजीब भी बात सुन लो, ख़ास तौर पर किसी वली अल्लाह के हवाले से, तो उसको नेगते ना कर दो, उसके अंदर नेगेटिव चीज़ें मत तलाश करो। जिस बात पर कुरान और हदीस गवाही देता हो उसकी तस्दीक करना हमारी जिम्मेदारी है। आगे कोई बंदा ही कोई ऐसा फ्रॉड है तो वो एक अलग चक्कर है, वो बंदा बंदे को पहचानने में गलती जो है ये मेरी और आपकी अपनी है, ये मेरी और आपकी अपनी है, उसूल गलत नहीं होते। उसूल कुरान मजीद का ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों की दुआओं से, इल्तिजाओं से अगर चाहे, बाकी सारे काम तो छोटे छोटे हुए ना, अगर चाहे तो मुर्दों को भी जिंदगी अता फरमाता है, मुर्दे भी जिंदा कर देता है, गांव के टुकड़ों से मुर्दों को जिंदा कर देता है। ये काम ही कितने अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम क्यों मरने के बाद, या अय्युहन नास इन कुंतुम फी रैब मिन अल बाथ फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराब, फरमाया ए लोगों को तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा होने वाली जिंदगी में क्यों शक पड़ जाता है,
तुम क्यों शकूक में मुबतला हो कि मरने के बाद हम कैसे जिंदा होंगे? फरमाया ये नहीं सोचते पहली दफा तुम्हें किसने जिंदा किया है, पहली दफा तुम्हें जिंदा करने वाला जिसने पहली दफा किया वही दूसरी दफा भी कर लेगा, उसके लिए कोई मुश्किल तो नहीं है। यानी मौत के बाद दोबारा जिंदा होना ये अंबिया किराम की दुआओं के साथ जो है अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हमने आपको ऐसे मोजज़ात जो थे वो अता फरमाए। फिर एक दिन खालिक कायनात की शाद फरमाते हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उन्होंने एक और मुतालबा आपके सामने रखा। अब ये मानने वाले जो थे ये वो थे, एक होते हैं ना मानने वाले और बाज़ औक़ात मानने वाले भी मुतालबा कर देते हैं। ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुकाम पर सूरह अलमाइदा में बयान फरमाया। माइदा का मतलब होता है खाना, माइदा का क्या माना है खाना। इसमें चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस मौजज़े का जिक्र है इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात के अंदर उस मौजज़े को बयान फरमाया और इस मौजज़े की नस्बत से ही सूरत का नाम अलमाइदा रखा गया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं इस क़ाल अल हवारियूना या ईसा बिन मरियम हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का जिन्होंने कलमा पढ़ा था हवारियीन जो थे आपके उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि या हजरत हल यस्ततीउ रब्बुका, क्या आपके रब के अंदर इतनी ताकत है, क्या वो ऐसा कर सकता है कि वो हमारे लिए आसमानों से खाना उतारे। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुकामात और अजमतें हैं जिनको शायद मौजूदा बाइबल भी बयान ना करती होगी। ये कुरान के पास मुसलमानों के पास ये कुरान की में अमानत की सूरत में महफूज हैं और इंशाल्लाह क़यामत तक पढ़ी जाती रहेंगी ये आयत। फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने यह अर्ज़ किया कि या हज़रत क्या ऐसा हो सकता है कि आपका रब आसमान से हमारे ऊपर खाना नाजल कर दे? तक़ल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन, ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाबन इरशाद फरमाया लोगो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम उसके ऊपर ईमान रखते। अल्लाह ताला के ऊपर जो सबसे अफजल ईमान है, याद रखना सबसे अफजल ईमान है वो ईमान बिल गैब है, वो ईमान बिल गैब है और ईमान की हकीकत ही बगैर देखे हुए मानना है। ईमान की हकीकत क्या है? बगैर देखे हुए मानना है। देख के मानने का मुतालबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मतियों ने भी किया था और अल्लाह तबारक व तआला ने एक जलवा ही दिखाया था कि वो मर गए थे, सारे 70 इसराइली मर गए। दीन का हुसन याद रखना, दीन का हुसन और मानने का हुसन वो बगैर देखे हुए मानना है, बगैर बोलिए ना बगैर देखे हुए मानना। देख कर जो मानना है वो काम नहीं देता, फिर तो अपनी अकल को माना ना, और वो काम नहीं देगा। जिस तरह आज जो लोग रोज़े माशर पर यकीन नहीं रखते और काफिर हैं, और काफिर हैं, वो जब मैदान माशर खड़े कर दिए जाएंगे तो उस वक्त देखना काम नहीं देगा, उस वक्त का देखना काम नहीं देगा। या जैसे कुरान मजीद ने खुद बयान फरमाया ना, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम सारी उम्र तलकीन करते रहे फिरौन को, तबलीग फरमाते रहे अल्लाह पर ईमान ले और अल्लाह पर ईमान ले और अल्लाह पर ईमान ले, नहीं माना। जब समंदर में गर्क होने लगा और जब दरिया की लहरों ने आके बादशाह सलामत के होश का बेड़ा गर्क किया, जब फरिश्ते जान निकालने वाले आ गए, जब आंखों से इज़राइल और मलकतुल मौत अलैहिस्सलाम को देख लिया, फिर कहते मैं रब को मानता हूं, उस वक्त का ईमान अल्लाह ताला ने कबूल नहीं फरमाया। छोटे स्टेप पर अब आ जाए, अब छोटे स्टेप पर आ जाए। छोटा स्टेप यह है कि जिस तरह मानना बगैर देखे हुए कबूल नहीं, इसी तरह उससे थोड़े उससे निचले स्टेप पर आप आ जाएं तो वो ये है कि गुनाहों से तौबा भी कोई निशानी देकर की तो वो कबूल तो शायद हो जाए लेकिन उसका वो दर्जा नहीं जो ईमान बिल गैब में अल्लाह से डर कर तो गुनाहों को छोड़ देना। जब फरिश्तों को कंधों
पर बैठे हुए हर वक्त साथ रहने वाले फरिश्तों को अमाल लिखते देख लिया तो फिर तौबा की, उसका वो दर्जा नहीं। दर्जा उस तौबा का है जो अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल के फरमान पर यकीन करके तो बस तौबा का लिखे, हम फरिश्ते साथ होते हैं लिखे, उसका बड़ा आला दर्जा है। और ईमान की असल है ईमान बिल गैब, बगैर देखे हुए मान लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ूर ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, एक मेरा सिद्दीक ऐसा है इस ये जब मुझ पर ईमान लाया है तो इसने कोई मुतालबा नहीं किया। फरमाया हर बंदा तुम में से कोई ना कोई मौजज़ा देखना चाहता था, हर बंदा कोई ना कोई निशानी देखना चाहता था, या रसूल अल्लाह हमें भी निशानी दिखाए, हमें भी दिखाए, हमें। फरमाया मेरा सिद्दीक ऐसा है इसने जब मेरा कलमा पढ़े इसने कोई निशानी तलब नहीं की मुझसे। ईमान की हकीकत बगैर देखे हुए मानना है। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि या ईसा आपका रब क्या खाना उतार सकते हैं आसमान से हमारे लिए? आपने फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। किस तरह के मुतालबात करते हो मेरे सामने? वो कहते हैं नहीं, قال نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا। वो कहते हैं हम तो सिर्फ ये चाहते हैं हम उसमें से थोड़ा सा खाएं और हमारे दिल मुतमईन हो जाएं कि आपका रब आसमानों से भी खाने उतार लेता है। ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين, और हम जान लें कि आपने हमसे सच कहा है। ونكون عليهم من الشاهدين, और हम उसके ऊपर गवाह हो जाएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उनका ये मुतालबा देखा, अल्लाह पाक फरमाते हैं قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين। सैयद ईसा अलैहि सलाम ने हाथ उठा दिए, अर्ज की मौला हमारे लिए आसमानों से खाना नाजिल फरमा, हमारे लिए आसमानों से खाना नाजिल फरमा दे। किस लिए? फरमाया तकून लना ईदन लि अव्वलिना व आखिरिना, जो लोग हमसे पहले हो गुजरे, जो लोग हमारे बाद हमें मानने वाले आएंगे, या अल्लाह उनके लिए वो ईद का दिन बन जाएगा जिस दिन तूने अपनी खास नेमत हमें अता फरमाई होगी। बरज़ुकना, तू हमें रिज़्क़ अता फरमा, व अंता खैरुर राज़िकीन, बेशक तू बेहतर रिज़्क़ अता फरमाने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने अब जो वो मैंने बात अर्ज की थी, अल्लाह तबारक व तआला ने जवाबन इरशाद फरमाया, قال الله, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से, इन्नी मुनज़्ज़िलुहु अलैकुम, फरमाया मैं यकीनन तुम्हारे ऊपर आसमान से खाना नाजिल फरमाऊंगा, मगर फमन यकफुर बादु मिनकुम फइन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन। फरमाया मेरा वो निशानी देखने के बाद, मेरी वो कुदरत का नज़ारा देखने के बाद, आपका वो मौजज़ा देखने के बाद, अगर उसके बाद इनमें से किसी ने नाफरमानी की फिर इनको बता दें, फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन, फिर मैं इनको वो अजाब दूंगा कि कायनात में मैंने किसी को वो अजाब ना दिया होगा। निशानियां तलब करना और उसके बाद नक्ते कर देना, करामतों के मुतालबे करना और उसके बाद वलिय कामिल को ना मानना, अंबिया से मौजज़ात के मुतालबे करना, मौजज़ा देखने के बाद फिर उसको एक्सेप्ट ना करना। या रूहानी दुनिया में अगर कोई बंदा उस दुनिया का बैठा हो, या रूहानी दुनिया में अपने लिए अजायबात और कशफ को मांग लेना और कश्फ हो जाए फिर अपने तकवा पर बरकरार ना रहना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की नेमत से उस बंदे को महरूम कर देती हैं। या तो मुतालबा ना हो, बगैर देखे मानता रहे हाँ मेरा रब ये भी कर सकता है, हाँ मेरा रसूल ये भी कर सकता है, और अगर देखने का मुतालबा कर ले और उसके बाद शक व शुबा में पड़ जाए फिर उस बंदे के लिए सिवाय जिल्लत के, गुमराही के और जहन्नुम के कुछ भी बाकी नहीं बचता। इसलिए मैंने आपको छोटी बात अर्ज कर दी मुख्तसर, इसकी बड़ी डिटेल हो सकती है कि ईमान की असल यह है कि बगैर देखे माना जाए, सिर्फ रसूल के कौल को फॉलो करके माना जाए।
جس طرح ہم نے کسی نے بھی 1400 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ کتنے ہیں بولیے کتنے ہیں؟ 1400 سال سے ہم کہہ رہے ہیں اور ہماری نسلیں بھی میرے رب کو منظور ہوا تو قیامت تک یہی کہتی رہیں گی اللہ، مگر ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں. ہم کیوں مانتے ہیں اللہ ایک ہے؟ صرف اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ایک ہے. ہم رسول اللہ کے فرمان کی تصدیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ایک ہے، بس ہمارا اتنا کام. اور ایمان صرف اسی کا نام ہے. ایمان کی تعریف جو ہے علمی وہ یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کی تصدیق کرنا، اس کا نام ایمان ہے. جو کچھ بھی رسول اللہ کی طرف نازل ہوا اس کی تصدیق کرنا، اس کا نام. آپ نے فرمایا ایک ہے تو ہم قیامت تک انشاءاللہ گواہی دیتے رہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اور دیکھا بھی نہیں اور دیکھنے کا مطالبہ بھی کوئی نہیں، بغیر دیکھے مانتے ہیں کہ وہ ایک ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ان کے اوپر کھانا اتار، یہ کھانا کھانا چاہتے ہیں، اور کھانا بھی ایسا زمینی چیزوں سے تو روز کھاتے ہیں، اور روز یہ سبزیاں ترکاریاں ہر چیز جو ہے یہ روز کھاتے پیتے، لیکن یہ چاہتے ہیں آسمان سے ان کے سامنے کھانا نازل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے عیسیٰ میں ایسا بھی کر دوں گا، میں ایسا بھی کر دوں گا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے سامنے جیتے جاگتے دن کی روشنی میں، دن کی روشنی میں خالق کائنات نے ان پر آسمان سے کھانا اتار دیا. کتنا بڑا شان ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور کتنی قدرتوں کے وہ مظاہرے اپنی کائنات میں لوگوں کو دکھاتا. اب میں اگلی بات اس کی ڈیٹیل بعد میں بیان کروں گا. یہ معجزات کو آپ نے سن لی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں کی شکلوں کو مٹی سے بنا کر ان میں پھونکے ماری تو پرندے بن کے اڑ گئے. آپ نے مادرزاد اندھوں کو درست کیا، کوڑ کے مریضوں کو ہاتھ پھیرتے شفا مل جاتی، اس لیے آپ کو مسیح کہتے ہیں. اس لیے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسیح. مسیح کا پتہ کیا معنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے؟ کہ جو مس کرے، مس ٹچ کرے جو کسی چیز کو، آپ کو مسیح اس لیے آپ کا لقب ہے. قرآن مجید میں اللہ پاک نے بھی بیان فرمایا ہے مسیح آپ کا لقب اس لیے ہے کہ آپ اس کو جب ٹچ کرتے تھے مردہ کو، بس اپنا دست شفا اس کے اوپر پھیر دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت شفائیں عطا فرما دیتا. گھروں میں جو چیزیں کھاتے، جو چھپاتے، سارا کچھ بیان فرما دیتے. مردوں کو زندہ کر کے اپنی قوم کو دکھایا. اور جب سارے یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے، آپ کو شہید کرنے کے لیے، جب آپ کے گھر کی طرف انہوں نے آپ کو پہلے قید کیا پھر آپ کو شہید کرنا چاہا، جب اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو آپ پر ایمان لائے تھے، جو آپ کے پاس موجود تھے، جب ان لوگوں کے ساتھ آپ وہاں پر بیٹھے تھے، تو آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھے، آپ کو پتہ ان کی تعداد کتنی تھی؟ اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد جو لوگ تھے، بعض نے اس کی تعداد 19 بیان کی، 19 سے زیادہ لوگ نہیں تھے، بعض نے 17 بیان کی ہے. اور جو کثرت کے ساتھ مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو فرمایا، جو حواری تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے، اور جس وقت آپ کو شہید کرنے کے لیے یہودی اس مکان کی طرف جا رہے تھے جہاں پہ انہوں نے ایک اور بندے کو پھانسی دے دی اور کہہ دیا کہ ہم نے عیسیٰ کو معاذ اللہ لٹکا دیا سولی پر، وہ جو سارا پروسیس تھا، اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جان قربان کرنے والے، آپ کے نام پر فدا ہونے والے، اور اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کر جو لوگ بیٹھے تھے ان کی تعداد 12 تھی، صرف 12. اقبال نے کیا خوب کہا، اس نے کہا یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس نے ہمارے ایمانوں کو قبول کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے، ورنہ ایمان کا پتہ ہی صرف آزمائش میں چلتا ہے. ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے. اور آپ دیکھ لیں، اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھنے والی قوم
उसमें से 12 लोग सिर्फ आपके पास उस वक्त थे, या मैक्सिमम जो तादाद किसने लिखी वो 19 है, 12 से 19 के बीच। मगर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने रोटी और गोश्त आसमान से उनकी तरफ नाजिल किया, पका पकाया गोश्त, पकी पकाई रोटियां। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से एक रवायत के मुताबिक आपके उन हवारियों ने पूछा कि या हजरत ये दुनिया का खाना है या आखरत का खाना है, दुनिया का ये खाना है या आखरत का खाना है। आपने फरमाया ना ये दुनिया का खाना है ना ये आखरत का खाना है, इस खाने को अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ महज अपनी कुदरत से तुम्हारे लिए पैदा फरमाया, क्योंकि आखरत का खाना अगर ज़मीन पर आ जाए तो जो शख्स खा ले वो उसी तरह बाकी रहे जिस आखरत में जाके बाकी रहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया, ताजदार कायनात नमाज के दौरान हुजूर ने एक कदम आगे बढ़ाया, हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं लोगों को, एक कदम आगे बढ़ाया, दस्ते मुबारक बुलंद किया, फिर पीछे कर लिया, फिर कदम आगे बढ़ाया, दस्ते मुबारक अपना मुबारक हाथ बुलंद किया, फिर पीछे कर लिया, फिर आका ने नमाज पढ़ा दी। सहाबे किराम बाद में अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आज आपने नमाज में अजीब अमल किया, आगे बढ़े फिर पीछे हट गए, फिर दस्ते मुबारक को हाथ मुबारक को बुलंद किया फिर पीछे हट गए, क्या वजह थी? फरमाया मैंने नमाज के दौरान ये देखा कि जन्नत मेरे सामने पेश कर दी गई और मेरा ख्याल बना कि जन्नत से कोई फ्रूट तोड़ के ना, कोई फ्रूट तोड़ के तो तुम्हें दे दूं ताकि तुम जन्नत की नेमत किस दुनिया में खा लो। हाथ बुलंद किया, सुभान अल्लाह, मदीने में खड़े हुए हाथ बुलंद किया, मदीने मुनव्वरा में खड़े हुए मुस्तफ़ा करीम का हाथ जन्नत तक जा पहुंचा, और मैं हाथ बुलंद किया, दिल किया कि तोड़ लूं, फिर मैंने ख्याल किया कि अगर मैं उसको तोड़ लेता और तुम्हें दे देता, तुम क्यामत तक खाते रहते, तुमसे अल्लाह की वो नेमत ख़त्म ना होती। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अंबिया को बे इख्तियार नहीं बना के भेजा होता ज़मीन पर, इख्तियार के साथ भेजता है, वरना भेजने का क्या फ़ायदा है। अल्लाह अकबर। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से खाने उतार दिए, कौम ने खाया, पूछा हज़रत ये कौन सा खाने, फरमाया ना ये ज़मीनी है ना आखरत का है, ये अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से तुम्हारे लिए पैदा फरमा दिया है। एक और मुकाम पर कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने एक पेशीन गोई फरमाई अपनी कौम को इकट्ठा करके। अब चूंकि सिलसिला नबुव्वत जो था वो ख़त्म होने वाला था, सिलसिला नबुव्वत बोलिए ना ख़त्म होने वाला था, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आखिरी नबी थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को बयान फरमाया है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया एक दिन, वईस क़ाला ईसा इब्न मरियम, ये सूरह अस्सफ़ है, या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिकन लिमा बैन यदय्य मिनत तौराती व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। फरमाते हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि एक दिन अपने सारी कौम को बनी इसराइल को जमा फरमा लिया, फरमाया ए बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल हूँ, मुसद्दिकन लिमा बैन यदय्य मिनत तौरात, और जो कुछ तौरात में था मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूँ। पहली चीज़ें जो थी अंबिया किराम जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजुल हुई, हमेशा हर नबी ने उनकी तस्दीक की है, फरमाया पहली चीज़ों की पहली किताब की तस्दीक करता हूँ, अब तुम एक ऐसा अमर जो है वो बयान करने वाला हूँ जो मेरे बाद जाहिर होने वाला है, जो मेरे बाद जाहिर होने वाला है। फरमाया वो अमर क्या है? व मुबश्शिरन, और मैं तुम्हें बशारत देता हूँ, खुशखबरी देता हूँ, बिरसूल याती, एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, उस रसूल का नाम अल्लाह ने अहमद रखा है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपनी कौम को जमा फरमा के ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद की खुशखबरी अता फरमाई, हमारे और आका मौला के मीलाद की
खुशखबरी अता फरमाई कितने सौ साल पहले, 550-600 साल पहले खुशखबरियां अता फरमाई। अब इससे पहले भी आप देखें, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को खुशखबरियां अता फरमाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ने, दीगर अंबिया इकराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आबाए इकराम थे, ये बात याद रख लें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने सेहत बकत उम्र दी तो मिलाद शरीफ में आपको बयान करके सुनाएंगे, हुजूर के जो आबाए इकराम थे वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरे पाक को जानते थे, वो भी अपने अपने लोगों को खुशखबरियां देते थे कि याद रख लो हम उस नबी के आबाए इकराम हैं जो अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल है। अब ये बिल्कुल पहले भी अंबिया इकराम देते रहे, पहले पारे में भी उसकी तरफ इशारा है, सूरह अल बकरा में भी इशारा है, बनी इसराइल का ही इशारा है। और ये अब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल चूंकि आखिरी नबी थे हुजूर से पहले, अब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने विद नेम हुजूर की बिशारत दे के तो दुनिया को कहे, फरमाया ऐ लोगो मैं जाने वाला हूँ, मैं तस्दीक करता हूँ जो कुछ सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास उतरा, मैं तौरात की तस्दीक करता हूँ और नेक्स्ट तुम्हें बशारत दे के जा रहा हूँ, वमुबश्शिरन बिरसूल यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, के मेरे बाद एक ऐसा रसूल आएगा कि अल्लाह ने उसका नाम अहमद रखा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि मैं जमीन पर मुहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या फरमाया, मैं जमीन पर मुहम्मद हूँ, आसमानों में मेरा नाम अहमद है। फरमाए फलम्मा जाअहुम बिलबय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं जब अल्लाह तबारक व तआला का ये प्यारा रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों के पास वो सारी निशानियाँ लेकर आ गए जो पहले अम्बिया ने इतलाएँ दी थी, वो सारी निशानियाँ ही लेकर आ गए, तो इन लोगों ने क्या कहा मक्के वालों ने और मदीने वालों ने जो ना मानने वाले थे, उन्होंने कहा फलम्मा जाअहुम बिलबय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन, ये मुस्तफ़ा करीम जो मोजज़ात दिखाते माज़ल्ला ये तो जादू ही है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें दे देकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए। रुखसत से मुराद ये नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, अब बात समझ रहे हैं, रुखसत से मुराद ये कि दुनिया से तशरीफ ले गए। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की जो अजमतें और जो मुकामात खालके कायनात ने बयान फरमाए, जो मोजज़ात बयान फरमाए, अब उनसे आगे बढ़ते हुए हम उस बात की तरफ जाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, आपकी ज़ात पाक के हवाले से जो कुछ खालके कायनात ने कुरान मजीद में बयान फरमाया उसका खुलासा ये है। इसकी तफसील इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा जो है वो आपके सामने नेक्स्ट लेड़ा को इंशाअल्लाह ताला यहाँ से जो है वो हम बात का आगाज़ कर लेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले आपकी अजमत में जो बात फरमाई और जो मुसलमानों का अकीदा है वो ये है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बग़ैर बाप के पैदा फरमाया, बग़ैर बाप के पैदा फरमाया। और इस बात पर ये बड़ी ख़ास बात है, आप इस वक्त मुझे याद आ गई, इसको ज़रा तवज्जो से सुन लें। इस बात पर आपने सुना होगा अहले बैत किराम की अजमत में बहुत बड़ी जो है वो एक आयत पाक पढ़ी जाती है जिसको कहते हैं आयत मुबाहला, इसको क्या कहते हैं आयत मुबाहला। मुबाहला ये होता है, मैं पहले उसकी डेफिनेशन अर्ज कर दूँ आपको, हक को हक और बातिल को बातिल वाजे करना, हक को हक और बातिल को बातिल वाजे करना, ये जो है ना मिक्स किस्म का ईमान, ये इस दौर में आगे ना रवाज पा गया है, ये मिक्स किस्म का ईमान। अल्लाह तबारक व तआला का वाज़े कुरान मजीद में फैसला है बला तलबिसुल हक बिल बातिल, फरमाया ए लोगो और ख़ास तौर पर ये आयत पाक सियाक व सबाक के हवाले से उन लोगों के लिए नसीहत है जो लोगों को हुजूर के दीन की तबलीग करने वाले हैं, हुक्म तो सब के लिए, फरमाया बला तलबिसुल हक बिल बातिल, ए लोगो हक और बातिल को आपस में मिक्स ना किया करो, हक और बातिल को आपस में मिक्स ना करो, व तक तुम हक का ना ही हक को छुपाओ, व अंतुम तालमून, हालांकि तुम उसे जानने वाले हो।
यानी हक और बातल को मिक्स नहीं करना चाहिए, झूठ और सच को मिक्स नहीं करना चाहिए। भाई एक बंदा झूठा हो एक सच्चा हो, कह दिया नहीं जी ये दोनों ही एक जैसे हैं। ये जो जमहूरियत आम में आ गई है ना, ये हमारे अवाम में ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अवाम में ये जमहूरियत बेसनद सी जमहूरियत है। दीन दो टोक बात करता है, दो टोक। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक शख्स ऐसा हो जो कहता हो अल्लाह ताला एक है, दूसरा कहता हो नहीं माज़ अल्लाह खुदा दो हैं, और आप ये फैसला सुना दें नहीं जी दो ही ठीक है, जो गल है बस ठीक है चलो रहने दो कोई नहीं खैर है, ये हमारा फैसला है। है ऐसा या नहीं? अमली तौर पर ऐसे ही है। कोई शख्स ये कह दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल है, हुजूर पर नबुव्वत खत्म हो गई, दूसरा कह नहीं हुजूर के पास जिल्ली भी हो सकता है, बुरूजी भी हो सकता है, ये नबी भी हो सकता है, वो नबी भी हो सकता है, और अब आपका फैसला मैं आपको सुनाऊँ, आपका फैसला ये है कि अच्छा जी वो मस्जिदें सारी इक्को जियां ही होती हैं, ये आपके फैसले। भाई ये कैसे हो गया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबुव्वत पर यकीन रखने वाला हो वो भी उसी तरह का हम आम लोगों की नज़र में, और जो हुजूर की खत्मे नबुव्वत के तसव्वुर में डाका डाल के खुद नबी बनने वाला है वो भी मस्जिदें सारी हैं इक्को जियां हैं। ये दो हरफी और दो टोक बात सुननी हो ना तो मुस्लिम एजुकेशन फोरम में आया करें, रड़ा मेरा सुनने तो जितने मर्जी जाके सुनो, मैं आपको यकीनी बात आपको बता रहा हूँ, ये फैसले जो है ना ये हमारे हैं। कभी आप ऐसा नहीं कहते, कभी आप ऐसा नहीं कहते कि पीपल्स पार्टी तो मुस्लिम लीग एक जैसियाँ नहीं कहते हैं, नहीं कहते, कभी भी नहीं आप कहेंगे नहीं जी ए वोट जी मैं दुआ वोट दे आवाँगा जाके। आप अरबाइदर पार्टी को और ख्रिस्ते फुलके पार्टी को या उसका क्या नाम है फ्रेमस्कृत पार्टी, अरबाइदर पार्टी को और फ्रेमस्कृत पार्टी को बयक बकर जाके आप वोट दे सकते हैं? वो बोलिए ना, दे सकते हैं जाके? नहीं दे सकते हैं। पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग को बयक वक्त जाके वोट कास्ट करके आ सकते हैं? नहीं आ सकते। अगर वो सारे काम बयक वक्त नहीं ना हो सकते तो ये भी समझ लेना जो हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार मानता हो और जो यजीद को रहमतुल्लाह ताला अलैह कहता हो उन दोनों को हुसैन और यजीद को वोट इकट्ठा नहीं दिया जा सकता। ये नहीं हो सकता हुसैन के मुकाम का दिफा करने वाला भी वैसा ही हो और हुसैन के मुकाम को गिराने वाला वो भी वैसा ही हो। आपके फैसले ये हैं। हक हक होता है और बातिल बातिल होता है, झूठ झूठ होता है और सच सच होता है, नेकी नेकी होती है और बुराई बुराई होती है, इन दोनों के दरमियान कोई इत्तेहाद नहीं है। शैतान को रहमान का कोई इत्तेहाद नहीं है, नेकी और बुराई की कोई एग्रीमेंट आपस में कभी आज तक नहीं हुआ। ये हम करवाना चाह रहे हैं ज़बरदस्ती के लोग हक वालों को भी कहें हक और बातिल को भी हक ही कह डालें। ये जो नीचे कालीन बिछे होते हैं, ये जो स्पीकर लगे होते हैं, ये जो दीवारें खड़ी कर जाते हैं खुदा के बंदे, इसको मस्जिद नहीं कहते। ये आपकी मेरी अपनी कम इल्मी है। मस्जिद वो होती है, मैं आपको मोटी तारीफ अर्ज करूं, मस्जिद वो होती है जहां पे अल्लाह के महबूबों का गिला ना होता हो। छोटी सी बात है, जहां पर अल्लाह के महबूबों का गिला ना होता हो, अगर गिला ना होता होता वो मौजू नहीं है। मैं बस बात दरमियान में शुरू हो गई। मुनाफिकीन मदीना ने मस्जिद के नाम पर एक मरकज बनाया मदीना मुनवरा में, अल्लाह के नबी ने फरमाया इसको आग लगा के जला के रख कर। कहने से मस्जिदें बनती हैं? नहीं। उस कॉन्सेप्ट को, उस तसव्वुर को, उस आइडियालॉजी को जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने किसी भी मुकाम पर दिया, याद रख लो, जिस तरह दो सियासी पार्टियों में आप यक वक्त वोट कास्ट नहीं कर सकते, आपको अलग अपने आप को डिफाइन करना पड़ेगा। मैं अरबाइदर पार्टी का मेजर हूँ। दीन के मामले में अगर आप लूज क्यों हो जाते हैं? जुबान से अहले सुन्नत कहना भी आप अहले सुन्नत जायज़ नहीं समझते, दीन इस तरह बचते हैं। किसी मजलिस में मैं बैठे हुए हमारे लोग से पूछे जी आप अहले नहीं जी ऐसे बस ठीक ही है, इस हालत में दीन नहीं बचा करते। इस हालत में बस सलाम दुआ बचती है, मरने के बाद किसी काम की नहीं होती। अपने दीन के फिक्र को मैं ये अर्ज कर रहा था, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर बाप के पैदा फरमाया, ईसाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस बात के लिए मुनाजरे के लिए आ गए, इस बात पर मुनाजरे के लिए नजरान के ईसाई जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए। जब हुजूर की बारगाह में आके हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उनके साथ जो मुनाजरा फरमाए, मुनाजरा तो समझते हैं ना, डिस्कशन, मुनाजरा क्या, डिस्कशन के, ताकि डिस्कशन करके हक और बातिल जो है वो वाज़ह हो जाए। ये वो डिस्कशन के दौरान, ये जितनी मैंने आयात पढ़ी है ना, ये सारी आयात उस डिस्कशन के दौरान उतनी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, क्या मेरे नबी इनको ये भी बताओ ईसा अलैहिस्सलाम ये थे, ये भी बताओ ईसा अलैहिस्सलाम ये थे, ये भी बताओ ईसा अलैहिस्सलाम ये थे, अल्लाह ताला ने उनको ये शान अजमत अता फरमाई, फरमाया हम हर एक बात को मानते हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते कि माज़अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को कोई बाप भी था। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी ने इस बात को उनके सामने खोल के बयान फरमा दिया, फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए थे। अब वो मुसलसल इनकार करते रहे। अच्छा, इनकार की बड़ी किस्में हैं। एक किस्म तो यह है कि किसी बंदे को कुरान और हदीस की रोशनी में कोई बात समझा दी जाए तो वो एक्सेप्ट कर ले, लो जी आज मेरी बात समझ में आ गई, इससे पहले तो मैंने नहीं कहीं से सुनी, अब मुझे समझ में आ गई, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। एक ये है कि दो चार आयतें, पांच चार अहादीस, सारा कुछ पढ़ के भी सुना दो, आगे से ये जवाब है नहीं जी मैं तो नहीं मानता, ये इस दौर के सुनने वालों की दास्तान है ये भी, लो जी नहीं जी मैं नहीं जी मानता इसका, ठीक है भैया आप ना माने, आपकी कब्र और हमारी कब्र अलग अलग है इंशाल्लाह, मानने वालों की कब्रों से भी नूर निकलेगा, ना मानने वालों को जूते पड़ेंगे, साफ जाहिर है। अच्छा, वो जो बात है, अब ये चीज़ इस बात को याद रखें कि मुनाजरा और मुबाहला इसमें ये फ़र्क है कि मुनाजरे में, मुनाजरे का इस दौर का नाम है डिस्कशन। जब आप टीवी पे देखते हैं डिबेट्स लगी होती हैं, डिबेट्स, डिबेट में एक थेमा रख लेते हैं और वो कहते हैं लो जी ये उस पार्टी का बंदा, उस पार्टी का बंदा, उस पार्टी का बंदा, सारे मिल के झूठ बोल के अपनी अपनी पार्टियाँ बचा लो, आज ये हमारा थेमा है। यानी एक बात के ऊपर डिस्कशन करने के लिए दो चार मुख्तलिफ राय रखने वाले लोगों को बुला लेना, इसको आप डिस्कशन या डिबेट कहते हैं, पहले इल्मी दुनिया में इसको मुनाजरा कहते थे। अच्छा, मुनाजरे से जब चीज़ दलाइल के साथ वाज़े हो जाए उसके बाद एक्सेप्ट ना हो, अब आप देखें ज़रा उस कॉन्सेप्ट को देखें कि मुनाजरे के लिए जो डिस्कशन हो रही है वो ईसाइयों के दरमियान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हो रही है, और तीन दिन उसमें गुजर गए। कितने दिन, बोलिए कितने दिन, तीन दिन गुजर गए। अच्छा, तीन दिन के बाद ये आयात उतर रही हैं, अल्लाह के नबी बयान फरमा रहे हैं, आप ज़रा गौर फरमाएं ना कि कलाम खुदा का हो, ज़ुबान मुस्तफ़ा की हो, फिर भी बात समझ में ना, ये कैसे हो सकता था। अब वो अड़ गए अपनी बात पर, नहीं जी हम नहीं जी मानते, हम नहीं जी मानते, हम नहीं जी मानते। जब उस बात पर अड़ गए तो इस मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को फरमाया कि ए हबीब, अब मुनाजरा को, डिस्कशन को, डिबेट को आप छोड़ दें, अब ये जब अपनी ना पे उतर आए जी हम नहीं मानते, फरमाया हबीब अब इन्हें मुबाहले का चैलेंज दे दो। अब किस बात का चैलेंज दे दो, मुबाहले का चैलेंज दे दो। मुबाहला ये होता है कि अगर एक बंदा एक बात पर खड़ा हो गया, जिस तरह वो ईसाई खड़े हो गए थे बगैर किसी दलील के, बगैर किसी दलील के इस बात पर वो खड़े हो गए कि माज़अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो बगैर बाप के पैदा नहीं हुए, पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे दलाइल से ये समझा रहे थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा फरमाया, जब वो इस बात पर खड़े हो गए तो अब मुबाहला ये होता है कि दोनों फरीक अगर अपने आप को सच्चा समझते हैं तो वो उसी मुकाम पर बाहर कहीं सारी इकट्ठे हो जाएं और मिलकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें, मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि या अल्लाह जो झूठा है उसको हलाक कर दे। जो बात दलाइल से ना समझ में आए वो फिर मुबाले से समझ में आ जाती है, पता चल जाता है झूठा कौन और सच्चा कौन, ये आखिरी हद होती है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इस बात पर हुक्म दिया कि हबीब अब इंसान मुबाहला के लिए तैयार हो जाए। क्या फरमाया, फमन हाज्जक फीहि मिन बादी मा जाअक मिनल इल्म, फरमाया ऐ मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपके पास इल्म आ जाने के बाद भी कोई शख्स आपसे झगड़ा करता है, ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में आपकी बात नहीं मानता, तो उनसे कहें फकुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, फरमाया हबीब इनसे कहें कि तुम अपने बेटे ले आओ, मोहम्मद अपने बेटों को लेकर आ जाता है, मनीषा ना मनीषा को तुम अपनी औरतें बाहर ले आओ मैदान में, मैं अपनी औरतें लेकर आ जाता हूँ, व अनफुसा ना व अनफुसा को मैं अपना आप लेकर बाहर निकलता हूँ, अपनी जान लेकर निकलता हूँ, तुम निकलता हूँ बाहर, तुम अपनी जाने लेकर बाहर निकल आओ, सुम्मा नबताहिल
فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, فرمایا پھر مل کے ہم عاجزی سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت پڑ جائے. فرمایا یا تو میں تمہیں تین دن سے سمجھا رہا ہوں یا تو اس بات کو مان جاؤ, اگر بات نہیں مانتے پھر میرے ساتھ باہر میدان میں نکل آؤ, یہ مدینے کا میدان سامنے ہے, میں بھی کھڑا ہوں تم بھی کھڑے ہو جاؤ, تم بھی جس رب کو مانتے ہو تم بھی اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر لو, جس رب کو میں مانتا ہوں جو آیات اتار رہا ہے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے ہوئے, عیسیٰ بغیر باپ کے ہوئے, عیسیٰ بغیر باپ کے ہوئے, میں بھی ہاتھ کھڑے کر لیتا ہوں تم بھی کھڑے کر لو, جو جھوٹا ہوگا ود ان ون منٹ پتہ چل جائے گا, جھوٹے پر اللہ کی لعنت پڑ جائے, ہلاک ہو کے تباہ ہو برباد ہو جائے. یہ نوبت آ گئی, اس کو مباہلہ کہتے ہیں. یہ کوئی معمولی مسئلہ اسلام میں, اسلام کو کوئی مسئلہ بھی معمولی نہیں, لیکن یہ بالکل عقائد میں پرفیکٹ اسی بات پر حضور نے ان کو مباہلے کا چیلنج دیا تھا, فرمایا میرے سامنے آ جاؤ میں بھی دعا کرتا ہوں تم بھی دعا کر لینا سارے مل کے, پھر دیکھتے ہیں کون سچا اور کون جھوٹا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام سے آپ مباہلے کے لیے باہر نکل آئے, مباہلے کے لیے باہر نکل آئے, آپ نے اپنے بیٹوں میں حضرت سیدنا امام حسن اور حسین کو ساتھ لیا, عورتوں کے حکم میں آپ نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا, مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا, خود آپ تشریف لے آئے. آپ جب باہر نکلے تو عیسائی بھی باہر نکلنا چاہتے تھے, عیسائیوں نے جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان کے ساتھ آپ آ رہے ہیں کہ آپ نے حضرت امام حسن کو انگلی سے لگایا ہوا ہے, حضرت امام حسین کو مصطفیٰ کریم نے اٹھایا ہوا ہے, ان کے پیچھے سیدہ زہرا ہیں, ان کے پیچھے مولا علی ہیں, آگے مصطفیٰ کریم جا رہے ہیں, وہ عیسائی پادری جو مباہلے کے لیے ایک دن پہلے تیار تھے وہ سارے چیخ کے ایک دوسرے کو بول اٹھے کہ آگے میدان میں نہ جانا, ان ہستیوں نے اگر دعا کی خدا تعالیٰ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے گا. مباہلہ یہ ہے کہ حق اور باطل بندے پر واضح ہو جائے, حق اور باطل بندے پر واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مباہلے کا فیصلہ اسی وقت فرما بھی دیتا ہے. جس طرح یہ مباہلہ تو نہیں تھا لیکن اس کی قسم میں سے ایک قسم ہے, جب غزوہ بدر کے لیے مکے کے کافر نکلے نا مکہ معظمہ سے, غزوہ بدر کے لیے جب مکے کے کافر مکہ معظمہ سے نکلے تو ابو جہل کو اپنے حق پہ ہونے کا کوئی اتنا یقین تھا, یا شاید ہزار کا لشکر دیکھ کر وہ ذرا فخر میں آ گیا ہوگا, خانہ کعبہ گیا, کعبہ شریف کے دروازے کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے یا اللہ جیڑا جھوٹا ہے نا وہ ککھ پلے نہ رہے جنگ دے وچ. جی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بندے کو پتہ نہیں کوئی چیز کہاں جا کے کیا مانگنا ہے. ابو جہل گیا کعبہ شریف میں غزوہ بدر پہ روانہ ہونے سے پہلے, کہتا ہے یا اللہ جیڑا جھوٹا ہے نا وہ جنگ ککھ پلہ نہ رہے, اڑ کے رہ جائے وہ جنگ کے اندر, اور اسی جنگ میں وہ مارا گیا. سرکار نے فرمایا میری امت کا یہ فرعون تھا جو آج قتل ہو گیا ہے. مباہلہ اس کو کہتے ہیں کہ حق اور باطل پھر علمی دلائل سے واضح نہیں ہوتا, پھر حق اور باطل اس طرح واضح ہوتا ہے کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت پڑ جائے, وہ ہلاک تباہ و برباد ہو جائے. اس بات پر امت مسلمہ کا موقف اس ٹائپ کا ہے, آگے سے آپ خود سمجھ جائیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا, اور اس کے بعد امت مسلمہ کا موقف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے متعلق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آج کے دن تک بھی آپ کو وفات نہیں آئی. بولیے, آپ کو وفات نہیں آئی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا, آسمانوں کی طرف زندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا, اور قرب قیامت میں جب قیامت قریب آ جائے گی, قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آلدر میں اوپر اٹھایا تھا اسی آلدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین کے اوپر نازل فرما دے گا, اور پھر آپ زمین کے اوپر آئیں گے اور آ کر آپ جہاد کریں گے, اسلام کو غالب کریں گے, اور اسلام کو غالب کرنے کے بعد اس روئے زمین پر پھر آپ کی وفات ہوگی. وہ وقت آپ کی وفات کا ہے, اس روئے زمین پر پھر آپ کی وفات ہوگی, اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گنبد خضرا کے نیچے سرکار کی قبر مبارک کے ساتھ دفن کیے جائیں گے.
इस तरह कोई मानता ही ईसा अलैहिस्सलाम को, बोलिए है कोई मानने वाला ऐसा, कोई नाम लेवा या गैर नाम लेवा। ये जो चीज़ मैंने आज बयान की है इससे हम इंशाअल्लाह ताला बात का आगाज़ लोडा को करेंगे और इसके ऊपर कुरान और हदीस के जो दलाइल हैं, आपको आसमानों पर उठाया गया, फिर आपके आने के मतलब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनका बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का आना और जाना, सुनना और सुनाना कबूल फरमाए, हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।